के हैकर लॉग आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी आज काफी एक्साइटिंग वीडियो, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, चैट्स में डाले हैं, डीएम करा है मुझे कि तपन भाई कुछ बताओ यार आप लोकेशन के बारे में, कि भाई लोकेशन ट्रेस कैसे करते हैं, पुलिस कैसे लोकेशन ट्रेस करती है, क्या हम ट्रेस कर सकते हैं, क्या आईएमई नंबर के थ्रू ट्रैक करना इजी पॉसिबल है, क्या वेबसाइट्स जो ट्रैक करती है वो कितना किस किस लेवल तक वो उसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आज भाई कवर हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं लेकर आपको भाई लेकर आया आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन, और वो भी किसके ऊपर, कि लोकेशन ट्रैकिंग के ऊपर। भाई मतलब बहुत सारी आप वीडियो देखोगे ना, आप चैट मतलब यूट्यूब पे आप जितनी वीडियो सर्च करो, मैंने भी काफी कुछ सर्च करा, उसके बाद मैं कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आया कि ना भाई ये कंटेंट बेसिकली आपको भाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ना इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे मिथ कवर करने वाला हूँ जो आपको लोकेशन ट्रैकिंग से किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, एक किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन कॉमन यूजर निकाल सकता है, किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन हैकर निकाल सकता है, और किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन एक पुलिस डिपार्टमेंट निकाल सकता है। वो सब चीज आज मैं ब्रेक कर दूंगा, सारी चीजों के आंसर दे दूंगा आपके, और सारे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, बैक टू बैक 7 से 8 प्रैक्टिकल चलेंगे, और सबके अंदर लोकेशन ट्रैक होगा। हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ होगा, अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता तो आपके लिए भी आप कैसे लोकेशन ट्रैक करें, अगर आपको बहुत कुछ आता है तब भी आपको, कि आप कैसे लोकेशन ट्रैक करें, और अगर आपको बहुत ज्यादा ही आता है तब भी आप लोकेशन कैसे ट्रैक करें। तो भाई सबका आंसर क्या है कि भाई लोकेशन ट्रैक कैसे करनी है, और किस लेवल पे अपन को कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, कितने लेवल का एक्सेस रहेगा अपन को लोकेशन की एक्सेस लेने के लिए, और कौन कौन से टूल्स है गिटहब के ऊपर। आज मेरे एक स्टूडेंट है देवोजीत, हाँ देवोजीत को मैंने मैसेज करा, मैंने यार भाई वो एक लोकेशन की अपन एप्लीकेशन निकाली थी ना, वो क्या था, तो उसने मेरी काफी हेल्प करी अभी, ठीक है ना, गिटहब की एप्लीकेशन बताने के लिए, ठीक है ना। तो वो सब चीजें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई ये वीडियो होने वाला है बहुत खास, अगर आप इंटरनेट पे सीकर टूल यूज करने वाले, भाई नहीं, बीजेएमआई हैकर पे सीकर टूल यूज नहीं करने वाला हूँ, बढ़िया हूँ, तुमने नाम याद दिला दिया, एक्चुअली मैं नाम टूल का नाम भूल गया था, सॉरी यार, ठीक है ना। सीकर से बढ़िया एप्लीकेशन मैं यूज करने वाला हूँ, थोड़ी सी बढ़िया, मतलब थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। तो मुझे याद है कि जो जिन्होंने ऑलरेडी मेरी पहले वीडियो देख चुके हैं उनको उनको दिमाग में पहले आ गया तो अपन भाई सीकर यूज करने वाले, नहीं, सीकर यूज नहीं करने वाले, कुछ और अपन आज यूज करने वाले। तो वो सब चीजें आज मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे यहाँ वहां सर्च कर रहे हैं हाउ टू ट्रेस लोकेशन, और आपको जेन्युइनली किसी की लोकेशन ट्रेस करनी है, सो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके हो जाएंगे। हाय अमन बैलिम, ए अमन भाई रात में भी आज की तारीख में, तो ठीक है, तो आज वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दूंगा मैं आपको, कि भाई कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस लेनी है, क्या लेना है, वो सब चीजें मैं कवर कर दूंगा। मतलब यहाँ पे जो है ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सीकर टूल, यस आई ऑल्सो सो नहीं आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सीकर टूल, फाइनली यू विल सी समथिंग न्यू, ऑल यूट्यूबर्स शो सीकर। हाँ बिल्कुल भाई, कुछ नया लेकर आए, कुछ नया लेकर, टेंशन मतलब ध्यान दो कि ना भाई, कि ना मैं जब भी कोई सेशन प्रिपेयर करता हूँ ना, तो बेसिकली मैं पूरा दिल जान लगा देता हूँ प्रिपेयर करने के लिए। मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे बैठा और पीपीटी वीडियो मैंने बनाता हूँ, मैं मतलब कंटेंट पहले रिसर्च करता हूँ फिर जाके आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो आ रही है ना वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है अपन सर से, तो वो चीज है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक मार दो गाइस, सारे सारे जितने भी लोग हैं, मेरा लैपटॉप को 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं क्वेश्चन कोई भी ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कवर करनी, सब करो कवर करो, सर मैं बहुत पीछे हूँ, कैसे सब कवर करूँ। भाई धीरे धीरे वीडियो देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, कवर कवर तो चलेगा, और लाइव सेशन में बैठते चलो, ठीक है ना। सो गाइस फटाफट अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का सेशन, और ना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सब चीज बताने के लिए। इस मालूम मैंने सब कवर कर लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ट्रोजन मालवेयर, स्पाइंग एप्लीकेशन, गिटहब की एप्लीकेशन, वेबसाइट, ऑलमोस्ट सब कवर करा है भाई आपके भाई ने, ठीक है। तो बिना बोल बच्चन करे फटाफट एक बार वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर दो, फटाफट एक बार साथ साथ जितने भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार फटाफट है ना आप लाइक तो कर ही दो, साथ में आप है ना इस वीडियो को अपने साथ में शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। न्यू टूल आई एम एक्साइटिंग, बिल्कुल बीजेएमआई आकर नए टूल पे बात करते हैं, चलो ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था ये ना, जो मैंने पहली बार वाला सपना वाला, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना, तो वैसा वाला सीन है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था तपन भाई, क्या आईएमई नंबर के थ्रू ये पॉसिबल है कि ना कि अपन किसी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, और कितनी एक्यूरेसी आती है लोकेशन ट्रैक करने, बताऊंगा मैं इसके आंसर भी दूंगा। मैं क्वेश्चन कुछ भी नहीं लेने वाला फिलहाल अभी, ठीक है ना, और अभी आप सिर्फ सीधे फोकस करें पीपीटी के ऊपर, कि भाई कितना पॉसिबल है कि ना हम आईएमई नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं किसी पर्सन को। तो भाई बता दूं मैं आपको कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एज अ नॉर्मल यूजर यू कैन नॉट ट्रेस ट्रेस एनी लोकेशन बाय यूजिंग एन आईएमई नंबर। आईएमई नंबर जो होता है ना बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब इसकी परमिशन जो होता है ना सबको नहीं होती है, इवन हैकर ऑल्सो कैन नॉट ट्रैक द लोकेशन बाय यूजिंग एन आईएमई नंबर, ठीक है ना।
तो ये मिथ आप छोड़ दो, अगर आप इंटरनेट पे जहां तक सर्च करो कि आईएमआई नंबर के थ्रू आप सर्च कर आप लोकेशन से सर्च कर पा रहे हो, और जो ये बोल रहा है ना कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं कर लेता हूँ, तो वो फेक 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 रहा है भाई, फेक रहा है, बिल्कुल 100% फेक रहा है। आपका भाई पुलिस साथ में काम करता है, तो मुझे पता है कि ना आईएमआई नंबर के थ्रू ट्रैक कर पाना हमारे बस की बात नहीं, ये पुलिस के थ्रू ही बात है, और पुलिस भी इसके लिए स्पेशल सेल्स जो होती है ना वो कर सकते हैं। नॉर्मल पुलिस स्टेशन भी इसको इसको लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकता आईएमआई नंबर के थ्रू, उनको भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आगे बताऊंगा, अभी मैं अभी बताऊंगा कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस कैसे आईएमआई नंबर को ट्रैक करती है, वही बताऊंगा मैं अभी आपको। आज सेशन चलेगा अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे तक मेरे हिसाब से, ठीक है ना, थोड़ा लेट मैंने शुरू करा इसलिए, पर 12:30 तक चलेगा, ठीक है। तो पहले पहला मैं मैंने आपका तोड़ दिया कि भाई पहले मैं एक्चुअल में स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। बोले तब अंदर पहली स्लाइड में आपने दिल तोड़ दिया भाई, दिल तोड़ने वाली बात है, जो सच है ना बताऊंगा मैं आपको, ठीक भाई। स्पैम मत करो ग्रुप चैट के अंदर, कोई भी स्पैम मत करना प्लीज, अदरवाइज है ना हमारी टीम जो है वो आपको हाइड कर देगी। ओ सॉरी, मैंने हाइड ही कर दिया भाई को, और मैंने अनहाइड कर दिया, ऑफिस से मत करना प्लीज, है ना, ठीक है। तो यस बता दूं गाइस मैं आपको कि ये पॉसिबल नहीं है कि ना आप पर्टिकुलर आईएमआई नंबर के थ्रू किसी की लोकेशन ट्रैक कर सके। तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन है भाई, नेक्स्ट जो है वो क्या कि वो इसके बाद क्या ऑप्शन है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो ऑप्शंस बचते हैं ना एक हैकर के पास, एक है ना एथिकल हैकर के पास, या फिर एक है ना पर्टिकुलर नॉर्मल यूजर के पास, तो उन सारे ऑप्शंस पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना एक भ्रम टूट चुका है कि आईएमआई नंबर के थ्रू हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते और ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, पर भाई ऐसा क्या है, मतलब आईएमआई नंबर तो है, ट्रैक क्यों नहीं कर सकते। तो अदू मैं आपका आईएमआई नंबर जो होता है ना, ये आपके मोबाइल के डिवाइस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई नई सिम इंसर्ट करते हैं अपने फोन के अंदर, तो बेसिकली आपका आईएमआई नंबर आपके आपके आपके, आपके जो नेटवर्क पे रजिस्टर्ड होता है, आपका आईएमआई नंबर शेयर होता है वहां पे नेटवर्क के साथ में, और तब जाके आपको नेटवर्क वगैरह पूरा चीजें मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आईएमआई नंबर जो है ना, ये कहाँ पे जाता है, आपके आईएसपी के पास से होता है, ठीक है ना। और आईएसपी के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उसको अपने इंटरनल नेटवर्क में ही यूज करता है, वो एक्सटर्नल नेटवर्क में यूज नहीं करता है वो, ठीक है ना। एक्सटर्नल नेटवर्क में यूज नहीं करता मतलब कि कोई भी साइट पे जाके आईएमआई नंबर डाल के सर्च नहीं करता, कोई ऐसा टूल नहीं है जो इनके इंटरनल नेटवर्क सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले सके, ठीक है ना। तो इसलिए आईएमआई नंबर जो होता है ना वो पॉसिबल नहीं होता आपको ट्रैक कर पाना। ये वही ट्रैक कर सकता है जिसका जिसके पास वो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर किसके पास होता है, बेसिकली आईएसपी अपने अपने सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक आईएमआई नंबर जो है ना, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक आईएमआई नंबर के अंदर, एक फोन के अंदर आपने एयरटेल की सिम लगा रखी है, तो रिलायंस उसको ट्रैक नहीं कर सकता था, दूं मैं आपको, वो सिर्फ एयरटेल ही कर पाएगा, रिलायंस के पास भी परमिशन नहीं, क्योंकि समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पे लिमिटेशन हो गई है, हर आईएसपी अपना एक सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी सारी डिटेल है, यूजर्स की डिटेल है, ये आईएमआई नंबर लास्ट टाइम कौन से नेटवर्क पर एक्टिव था, कौन सा टावर लोकेशन था उसके ऊपर, तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये उसके प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अंदर है, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस बाय अदर आईएसपी एज वेल। अगर मान लो मैं एयरटेल का सिम यूज कर रहा हूँ और आप किसी रिलायंस वाले को बोलो जो अंदर बहुत डीप में बैठा हुआ है कि भाई इसकी लोकेशन दे दो मुझे, तो वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास भी एक्सेस नहीं है उस सॉफ्टवेयर का। उसके पास वो रिलायंस के जितने यूजर है उनकी डिटेल दे सकता है, उनकी लोकेशन चेक कर सकता है, पर वो एयरटेल वालों का नहीं कर सकता। तो अब सोच लो देखो कि जब आपस में आईएसपी नहीं कर पा रहे, तो हम तो रहे थर्ड पार्टी के भाई, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन पुलिस के पास सिस्टम्स होते हैं जो इस टाइप की डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं, उनको एपीआई के थ्रू एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना, ताकि वो अपना आईएमआई नंबर डाले और वहां से लोकेशन जनरेट कर सके। पर कई बार मैंने जहां तक देखा है यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आईएसपी को, आईएसपी का एक पर्सन उनको ये लिंक प्रोवाइड करता है कि ये अभी डीप पॉइंट लोकेशन है उस पर्टिकुलर यूजर की, कोऑर्डिनेशन जब भी ना रेड करते तो उनकी कोऑर्डिनेशन होता है उनके साथ, आईएसपी के साथ में, ठीक है ना। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं, कोई भी वेबसाइट आपको कभी भी किसी भी आईएमआई नंबर की डिटेल मतलब कि करंट लोकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। आई नंबर की बेसिक डिटेल मिल जाएगी आपको, पर ये डिटेल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। टॉपिक हमारा लोकेशन ट्रैक पे है, तो वही चीज मैं क्लिक करने वाला कि भाई आपका आईएमआई नंबर के थ्रू आप लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, काफी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, और ये लिमिटेड टू आईएसपी ही होती है। मतलब समझ में आ रहा है कि ये लिमिटेड टू आईएसपी है, और है ना एक ही आईएसपी, जिस जो आईएसपी का आप सिम कार्ड यूज कर रहे हो ना उस फोन के अंदर, उसी आईएसपी के पास ये इन्फॉर्मेशन है, दूसरे आईएसपी भी अब ये इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकता उससे। चलिए तो ये चीज तो अपना क्लियर हो गया कि भाई अब कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना, गूगल पे कितने, यूट्यूब पे कितने वीडियो देखोगे ना कि आईएमआई नंबर के थ्रू लोकेशन ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं, मत देखना किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे भ्रम टूट गया आपका कि भाई अब ये चीज नहीं है। इवन आप किसी भी हायर अथॉरिटी से पूछेंगे, वो भी यही आंसर देगा आपको, जो जेन्युइनली आंसर, और जो क्लिक बेट खेल रहा है तो भाई कुछ भी देगा वो, तो कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये टूल है वो टूल है, कुछ भी दिखा सकता है। अब नेक्स्ट बात, तो सर करना तो है लोकेशन ट्रैक, तो क्या ऑप्शन बचते हैं हमारे पास इसके बाद।
तो अब बात करने वाले हैं उन सारे रियल फैक्ट्स पे जिसके थ्रू आप किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने ये मना करा है कि आईएमई नंबर के थ्रू नहीं कर सकते, पर मैंने ये नहीं मना करा कि कोई भी यूजर की लोकेशन आप ट्रैक नहीं कर सकते। आईएमई नंबर के थ्रू नहीं कर सकते, पर और ऑप्शंस हैं। तो और कौन कौन से ऑप्शन है, बेसिक टू एडवांस तक जाऊंगा मैं, बिल्कुल एंड तक एडवांस रहेगा बिल्कुल हमारा, ठीक है ना। तो पहले जो दे रखा है ना आपने, बहुत सारे जब मैं केस इन्वेस्ट करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने ना इसकी फोन नंबर डिटेल निकाल ली, और हम भी चौंक में लगे, हम तो यहाँ पे पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये भाई खुद ही निकाल के बैठा है, और सर उस साइट के ऊपर अवेलेबल था। तो बता दूं मैं आपको, इस टाइप की बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जहां पे आपको फोन नंबर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी लोकेशन मिल सकती है। अब दिखाता हूँ मैं, अभी मैं जैसे पीपीटी बना रहा था ना, तो मैं एक वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट के पास में गो थ्रू करा मैंने, मतलब मैंने सिर्फ सर्च करा कि ना फोन नंबर ट्रैकिंग वेबसाइट्स, तो मुझे ना टॉप के अंदर एक एक लिंक मिल गया, मैंने क्लिक करा भाई, तो देखो उसमें देखो कितना, मतलब क्या मजा आ रहा है उसके अंदर। ये देखो ना आपको, ये लिंक जो है ये बहुत तड़ा लिंक है, मतलब ये जो है ना ये बिल्कुल रियल टाइम लोकेशन आपको देता है, मतलब कि डीप पॉइंट दे देगा कि उस घर के अंदर कौन सा बंदा बैठा है, मतलब उस पर्टिकुलर रूम के अंदर तक दे देगा कि भाई ये रूम कौन सा रूम है, मतलब अगर चार रूम है, चार रूम में से कौन से रूम में ये बंदा बैठा हुआ है। ये चीज ये है लोकेटर डॉट फाइंड फैमिली FY.com, ठीक है ना, ये वेबसाइट है। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी कोई ट्राई मत करो प्रैक्टिकल करने का, 2 मिनट रुको, पहले पूरी बात सुन लो, ठीक है ना। तो लेट सपोज कि यहाँ पे अपन एक नंबर डालते, कोई भी नंबर डालते अपन, ठीक है ना, 1 2 3, ये हो गया अपना। आज मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, सॉरी गाइस, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, मुझे एक चीज चेक करनी है बस। यहाँ पे जाता हूँ, और अब देखो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दिया, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको इसी का नंबर डालना है, पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी नंबर डाल दो यहाँ पे, डालने के बाद अब देखो क्या होने वाला है। अब जैसे आपने डाल दी यहाँ पे, डालने के बाद देखो क्या करना है आपको, 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड। तो मैंने अभी यहां से ना इसको, मतलब नंबर जो है ना यहाँ पे डाल दिया, अब स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। गाइस है ना बहुत गौर से देखना, मतलब ये बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देगा आपको, और बिल्कुल रूम के अंदर तक की भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ करता हूँ मैं स्टार्ट, दिख रहा है आपको गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, दिख रहा है। अब डिवाइस लोकेट कर ली इसने मेरी, कि भाई मेरा डिवाइस जो है ना वो कहाँ पे है, समझ में आ रहा है आपको, इसे मैं डिवाइस लोकेट जो है ना वो कर चुका है। तो अब जो है बेसिकली, अब मैं इसकी डिटेल, मुझे अगर और निकालने के, मुझे जानना है कि भाई ये लोकेशन कहाँ पे है, क्या उसका नंबर वगैरह है, वो सब डिटेल मुझे अगर जानकारी लेनी है उससे, तो बेसिकली मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या जाना पड़ेगा, गेट लोकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जाकर क्लिक करेंगे अपन, तो अब सीधे सीधे ये ले आएगा आपको पेमेंट करने के लिए। तो ऐसी फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहना भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऐसी फ्रॉड वेबसाइट से, ये चीज तो इलीगल तो नहीं है ना, बता दिया मैंने आपको, बता दिया मैंने आपको कि भाई इस टाइप की फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहना। ये कोई वेबसाइट कोई भी लोकेशन नहीं देने वाली है, ये सिर्फ है ना क्लिक बेट पे काम कर रही है। आप जाओगे जिगड़ करके $10 डालोगे और ये आपका पेमेंट लेके कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे देगी आपको, ठीक है ना। तो कभी भी इस टाइप की वेबसाइट के मत पढ़ना। मैंने देखे बहुत सारे यूजर है ना, मतलब लोकेशन सर्च करने के लिए पागल रहते हैं, उसकी लोकेशन निकालनी, उसकी लोकेशन निकालनी, और भाई कुछ भी निकाल लेता है और वो कुछ ही भेज देता है आपको। तो ऐसी साइट से दूर रहो, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसके अलावा जो सर साइट बची हुई है उसमें क्या है, क्या ये साइट जो है दे रखी है आपने यूआरएल के अंदर, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए एक बार अपन इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, अब ये जो साइट मैं दिखा रहा हूँ ये रियल टाइम, मतलब ये रियल वेबसाइट है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना आप रियल वेबसाइट और फेक वेबसाइट के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ, ठीक है, लोकेट करता हूँ, लोकेट करता हूँ, यहाँ पे लोकेट में मैंने क्लिक करा, आप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये दे रहा है पंजाब अमृतसर, और ये एक एयरटेल का नंबर है, ठीक है, और इसने ये लोकेशन दे दिया आपको। अब यहाँ पे इसको अपन सर्च करेंगे ना, थोड़ा नीचे जाएंगे, दिख रहा है अब ये बिल्कुल अंदर तक पहुंच रहा है, चितकारा ENT हॉस्पिटल है कहीं के पास, ठीक है ना। तो कैसे बता दूं मैं आपको कि ये कोई सही लोकेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये सही लोकेशन और इसने सही लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। इस टाइप की वेबसाइट के पास कभी भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब लोकेशन डिटेल कैसे देगा, मतलब थोड़ी ना एयरटेल वाला या फिर ना आईएमई नंबर ये रिलायंस वाला उसको अपनी लोकेशन दे देगा। तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो होते हैं ना वो 9876, उसके हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सीरीज है ना ये कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी,
इसकी डिटेल इनके पास जरूर होती है कि भाई ये ना ये जो सिम है ना ये बेसिकली किस जगह डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। अगर आपने कोई सिम ली है, लेट सपोज कोई आपने इंदौर से सिम ली है, तो ये बता सकता है आपको कि ये इंदौर या फिर आसपास उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश के आसपास का रीजन है। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि भाई ये सिम जो है ना ये कहाँ से ली गई है। इतनी इन्फॉर्मेशन देगा कौन सा स्टेट और कौन सा सिटी रहेगा। सिटी भी कई बार ये ठीक है ना, तो मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और सिटी भी ये कुछ हद तक एक्यूरेट ही देता है, अगर जब तक आपने छेड़छाड़ नहीं करो, मतलब सिम यहाँ से ले आके कहीं और नहीं भेज दिया आपने, ठीक है ना। तो वो चीज इसने बता रखा है इसके अंदर गाइस। तो ना हमेशा कभी इसको रियल टाइम लोकेशन मत लेना, ठीक है ना। कई बार मेरे बहुत से स्टूडेंट बोलते तपन सर क्या ये रियल लोकेशन है, देखो ये लोकेशन आ गया यहाँ पे मैंने पकड़ लिया हैकर को। अरे मुझे बहुत बार लोगों ने बोला इन्वेस्टिंग सर हम तो ट्रैक कर लेते आप कैसे नहीं कर पाते। मैंने भाई आप बड़े लोग हो ना यार, आप बड़े हैकर हो, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो वैसे फ्री बैठे रहते हैं। तो भाई ये सब लोकेशन अगर आप लेके जा रहे हो तो ये कोई लोकेशन नहीं है, ये फेक लोकेशन है। इवन आप अपना लोकेशन भी ट्राई कर लेना, ठीक है ना। आज अपना लोकेशन ट्राई करोगे ना तो यू अंडरस्टैंड कि मतलब अपना नंबर डाल ट्राई करोगे ना पता चलेगा कि भाई आपके सिटी के आसपास सिटी दे देगा, ये डीप पॉइंट विप कुछ नहीं देगा ये, पर आपको डीप पॉइंट निकालना है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी है, उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड तक देखते रहना वीडियो को, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा उसका कि भाई कैसे डीप पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कुछ तीन चार साइड मैंने दे रखी है, उसके अंदर एक ये साइड भी अच्छी है और लास्ट साइड और भी बढ़िया है। मैं सारी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, वन बाय वन करके। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा इसका, ठीक है ना, तो थोड़ा स्पेशल रहना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपन इसका। ये आ गया अपना, ठीक है, हेलो लेटर भाई, ये आ गया, ठीक है, पंजाब आ गया, यहाँ पे एयरटेल दे दिया इसने, जीएसएम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे कुछ वैसी ही लोकेशन आपने इसमें दिखा दी है। भाई आदित्य भाई थैंक यू सो मच ब्रदर इतना बड़ा मैसेज करने के लिए। भाई इसके ऊपर कॉल और एसएमएस बॉम्बिंग के लिए ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है कॉल और एसएमएस बॉम्बिंग की वीडियो तो एक बार जाके आप चेक कर लेना, यहीं पे मैंने बना रखा है, इसमें देख लो ना आप, प्लेलिस्ट में आके चेक कर लेना आप एक बार। जिसको कॉल और एसएमएस बॉम्बिंग वाला देखना है तो मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ, तो आप इससे क्या बनाए यार। आधे बोला तो सर क्या स्टिकर कराने वाले हो क्या। अरे नहीं भाई दूसरा आज, ठीक है ना, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। मुंह के छालों के लिए देश भर में एक ही नाम ओरासो। इसका जेल छालों के दर्द से 2 मिनट में आराम दिलाए और टैबलेट। छाले वाले भाई ये रहा, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ठीक है ना, ये देख लेना, ठीक है। चलिए वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अपन कहाँ चला गया। तो ये वाला सेट दिखाया मैंने आपको, तो यहाँ पे भी आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मतलब पंजाब और एयरटेल सिम यूज कर रहा है। बता दूं मैं आपको कि अगर मान लो आपने सिम पोर्ट करा लिया, हाई सोनटेक्स बढ़िया में भाई, अगर आपने सिम पोर्ट करा दी है तो उस कंडीशन में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तब भी आपको पुराना आईएसपी दिखाएगा, अपडेटेड वाला आईएसपी नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और साइड दे रखी, वो ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी, ये दिख रहा है ना वाली साइड जो है, ये उससे ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाएगी, पर ये रियल टाइम लोकेशन कोई भी तीनों वेबसाइट में तो कोई भी नहीं देने वाला आपको, ठीक है। हाय किलर सिंह, दिख रहा है आपको ये वाला लाइव एक्टिव है या नहीं है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, ये कुछ लोकेशन दे रखी है इसने, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इन सिटीज में से हो सकता है कि ये सिम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी इस वाले रीजन के अंदर। 9K सून, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, आज मेरे हिसाब से अपन 9K करके जाएंगे, तो पर होने वाले हैं 8.88 में अभी, तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे देखा है पूरा, दिख रहा है ना, चंडीगढ़, लुधियाना, हिंदी इंग्लिश, ये पूरा दे रखा है इसने। तो इस तरीके से आप मतलब इसमें थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है एज कम्पेयर टू अदर वाला, ठीक है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज और देखो दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी मुझे इस वाले वेबसाइट के अंदर, जो और वेबसाइट के अंदर नहीं है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, कॉन्टैक्ट दिस नंबर, तो 5 प्लेसेस के ऊपर उसको ये नंबर रजिस्टर्ड मिला है। बहुत बढ़िया अंकित भाई, ठीक है ना। तो ये 5 प्लेसेस, तो 5 प्लेसेस पे ये नंबर रजिस्टर्ड मिला है उसको सोशल मीडिया के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर बता सकता हूँ, बताएंगे अपन की भाई क्या क्या चीजें है ना, मतलब कौन कौन से ना ऐसे टूल है जिनकी थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर को, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। उसके अलावा उस एरिया के अंदर ये सारे आईएसपी भी काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी लोकेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीन जो साइट है ना, ये काफी अच्छी साइट मुझे लगी जो मैं चाह रहा था आपको दिखाना, ठीक है ना। तो ये तीन साइट्स के थ्रू आप बेसिक सी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन,
निकाल सकते हो, कोई एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं, बहुत बेसिक थी। तो अगर मान लो जो लोग इसे बोलते हैं ना कि मैं साइड से आके मैंने लोकेशन ट्रैक कर लिया, तो बोलो भाई तपन सर की वीडियो देख ली है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं अपन, हाउ टू ट्रेस मोबाइल यूजिंग जीमेल आईडी। अब क्या होता है कई बार है ना, आपने बोला कि तपन सर है ना ये स्पाइंग सॉफ्टवेयर वगैरह मेरे पर मतलब इतना बजट नहीं है कि मैं इनको यूज कर सकूं, सो उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव रहता है आपका नंबर को नंबर की लोकेशन रजिस्टर मतलब एक मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करने का, कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है कि ना भाई आप इसके लिए आप जीमेल का यूज कर सकते हैं। हमारे फोन में आप देखेंगे तो काफी सारे जीमेल आईडी जो है ना रजिस्टर्ड रहते हैं, तो आप क्या करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का मोबाइल फोन लेके उसके जीमेल अपना जीमेल उसके फोन में ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक पॉसिबल है। अगर आप उसका अपना जीमेल आईडी उसके फोन में ओपन कर दोगे तो वहां से भी आप उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर यूजर का ईमेल आईडी और मतलब उस पर्टिकुलर यूजर का ईमेल आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर फोन में जो लॉग इन करा हुआ ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो वो चीज उसके बाद आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक ना दूसरा वाला तरीका, जैसे जीमेल में जाके डायरेक्ट दिखाता हूं मैं आपको, कि जैसे मान लो आप जीमेल में जाओगे ना, यहाँ पे जाके आएगा आपका, हाँ यहाँ पे जाके मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाओगे तो ये ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। ठीक है ना, तो ये खुलने के बाद दिख रहा होगा आपको सामने, यहाँ पे डेटा प्राइवेसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होम ये सब चीजें लिखी हुई आ रही है, सिक्योरिटी पीपल शेयरिंग पेमेंट सब्सक्रिप्शन ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो वो डेटा एंड प्राइवेसी पे जाना, डेटा एंड प्राइवेसी वाले पे जाएंगे जब आप। बढ़िया भाई अंकित भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे आने के बाद दिख रहा है आपको डेटा एंड प्राइवेसी पे आप आए, नीचे आने का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, अभी अपने लोकेशन की इन्फॉर्मेशन ऑन कर रखी है और वेब और ऐप एक्टिविटीज मेरी ऑन है, उसके अलावा मेरा यूट्यूब हिस्ट्री मेरा ऑन कर रखा है। ठीक है ना, तो माय एक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है, मतलब पर्टिकुलर यूजर ने अपने फोन में क्या एक्टिविटी करी है, तो भाई आप माय एक्टिविटी में आके चेक कर सकते हो, आप उसने यूट्यूब पे क्या क्या सर्च करा, क्या क्या वॉच करा, अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको मैप्स टाइमलाइन चेक करना है तो भाई ये सबसे बेस्ट जगह है, मतलब मैं बता दूं आपको कि भाई ये चीप एंड है ना, मतलब चीप ऑप्शन है जिसको भाई स्पैम मत करो, बता दूं मैं आपको चैट बॉक्स में, प्लीज कोई भी स्पैम मत करा करो, बहुत सारे यूजर्स के क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने होते हैं एंड में, वरना चैट बहुत लंबे होते हैं और उनके क्वेश्चन रह जाते हैं, तो प्लीज आप चैट में ना स्पैम मत करा करो, अदरवाइज हमारी टीम आपको टाइम आउट कर देगी और या फिर आपके सारे कमेंट्स को हाइड कर देगी, तो फिर आप कभी भी आप है ना कमेंट नहीं कर पाओगे, तो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट करें सबका और सबको क्वेश्चन पूछने का मौका दीजिए। ठीक है ना, तो वो चीजें तो अधूर है ना। मैप्स टाइल लैंड में जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इवन आप अपने लैपटॉप में अगर आपका जीमेल आईडी खुला हुआ है तो उसमें जाके अभी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर अपने जीमेल पे यहाँ क्लिक करें, मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाएं डेटा एंड प्राइवेसी में जाके और फिर मैप्स टाइम लैंड पे क्लिक करें आप, तो यहाँ पे जो है आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। अभी क्या है कि मैंने एक्चुअल में इसकी लोकेशन मैंने ऑफ कर रखी थी और अभी जस्ट मैंने ऑन करा तो आपको मेरा ब्लैंक ग्राफ दिख रहा होगा, पर यहाँ पे आप डेट टाइम मतलब डेट के हिसाब से पूरा का पूरा लोकेशन चेक कर सकते हैं कि वो बंदा कहां से कहां तक मूव करा था, तो ये एक बढ़िया एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि आप है ना जीमेल के अंदर लॉग इन कर लो, उसके फोन में लॉग इन कर लो या फिर आप दूसरे फोन में लॉग इन या उसका जीमेल आईडी पासवर्ड अपने पास होना चाहिए ताकि अपन ये लोकेशन चेक कर सके। इसके थ्रू पूरा डिटेल मिलती है कि भाई वो कितनी देर कहाँ रुका था, कितनी देर कहाँ से आया था, वो सारी लोकेशन डिटेल ये प्रोवाइड कर देता है आपको टाइमलाइन के थ्रू। ठीक है ना, तो ये सेकंड वाला तरीका है जो मैंने आपको बताया कि भाई इसके थ्रू भी आप एक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे जो अपन जाने वाले वो कैसे कर सकते हैं अपन, तो वो है सोशल मीडिया। अब ये चीज दिखानी होगी, चलो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ, मतलब टीम मैनेज करती है, मैं नहीं मैनेज करता, मैं भी कई बार एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो अदर सोशल मीडिया। अब क्या होता है कई बार इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमें पता चलता है कि वो यूजर जो ना कोई दूसरा फोन चल रहा है, या फिर मान लो उसको हम लोग थोड़ा सा लालच देके और उसको बोल देगा इस साइड पे लॉग इन कर या फिर पर्टिकुलर यहाँ पे लॉग इन कर, तो बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और अदर सोशल मीडिया अकाउंट भी अपने यूजर की डिटेल रखते हैं। ठीक है ना, तो वो सब चीजें मतलब अगर मान लो अगर आपने कहीं पे लॉग इन करा है तो लॉग इन करने के बाद आपको आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन डिटेल, ये सारी की सारी सोशल मीडिया रखते हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी रिसेंट में डिवाइस कौन सी मैंने एक्सेस करी गई, या फिर पर्टिकुलर ये जो चीज है ना चैट में स्लो मोड चालू करो, कुछ ठेकेदार के बंदे चैट में चक। ठीक है भाई पंकज, बिल्कुल मैं कर दूंगा, अगली बार स्लो कर दूंगा मैं। ठीक है भाई 2 मिनट रुक जाओगे, बताता हूँ ना। ठीक है, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से
किस तरीके से ना मतलब उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जैसे मान लो कि आपने फेसबुक में लॉगिन कर लिया, आपने इंस्टाग्राम में लॉगिन कर लिया, आप अपने डिवाइस में चेक करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ये चीज, ठीक है ना। तो एक ये तरीका भी है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर मान लो आप ये लोकेशन ट्रैक करना चाह रहे हैं जो आपका नोन है और आपको पता है उसका यूजर नेम पासवर्ड, तो आपको सोशल मीडिया अकाउंट में जाके सेटिंग्स में जाके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो तीसरा तरीका आपका ये हो गया। उसके अलावा फोर्थ तरीका जो है ये ग्रैबिफाई का गेम पहले भी आ चुका हूँ, पर जो लोग नए सब्सक्राइबर है और सीरीज चल रही है हमारी कौन सी कि लोकेशन ट्रैकिंग के अंदर, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई मतलब लोकेशन आप ग्रैबिफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, कितने लोगों को पता है ग्रैबिफाई के बारे में, चैट बॉक्स में डाले यस, और जिनको नहीं पता वो नो डाले चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं इसको पेटल कराऊं या ना कराऊं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। थोड़ा चैट बॉक्स में डाल दो यस और नो, अगर आपको पता है तो मैं ये स्किप कर दूंगा, और आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चैट बॉक्स में डाल दो डाउट एक बार। ओ एलेक्स थैंक यू सो मच ब्रदर, लव फ्रॉम नेपाल। जिनको नहीं पता वो नो डाल दो चैट बॉक्स के अंदर। नो भाई, रेड को नहीं पता, वेग को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। जावेद को नहीं पता, ठीक है। सूरज को नहीं पता, फीलिंग मोटिवेटेड को नहीं पता, अखिल को पता है, रेड ठीक है, हंसराज, काफी लोगों को नहीं पता। चलो कोई दिक्कत नहीं, नए सब्सक्राइबर है इसलिए उनको नहीं पता होगा शायद से, ठीक है ना। और जो तपन सा के सेशन अटेंड करते हैं तो पता ही होगा ये वाली चीज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि एक लिंक के थ्रू भी आप कैसे कर सकते हैं। इट ग्रैब्स आईपी एड्रेस एंड वी हैव टू गो टू द साइबर पुलिस। यस 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 बिल्कुल, कोड राजू ने हमारा सेशन प्रॉपर अटेंड करा इसलिए उसको पता है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं चैट बॉक्स के अंदर। हाँ हाँ रुको रुको भाई, धमाधम लग गए अब, ठीक है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इसको कैसे कर सकते हैं अपन, तो एक करके देखेंगे अभी अपन। ग्रैबिफाई साइट है grabify.link, मैं लिंक चैट बॉक्स में डालता गया, सेम टाइम में आप भी कर सकें इसको प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ठीक है। अब देखो यहां पे आने के बाद दिख रहा होगा आपको, यहां आने के बाद दिख रहा होगा वो grabify.link लिखा गया सर मेरा, लिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो दिख रहा है तो भाई फिर आप आगे आ जाओ इसके अंदर, अब नीचे आओ। अब दिख रहा है ना, एंटर अ वैलिड यूआरएल और ट्रैकिंग आईडी। तो उस कंडीशन में करना आपको यहाँ पे एक वैलिड यूआरएल डाल देना। लेट सपोज कि हमारी एक वेबसाइट हैकिंग टूल डॉट इन, जहाँ पे मैं हर तरह के सारे हैकिंग टूल्स जो है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो डालता हूँ, इसका मुझे बनाना है, ठीक है ना। मैं ट्रैकिंग लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपको कोई भी लेना है, ठीक है ना। लेकिन मतलब कोई भी आप यूआरएल ले सकते हैं जो आप, क्योंकि क्या होता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग के दौरान ही अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। बातें बातें में उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और है ना उसके बाद अपन डिटेल लेंगे, ठीक है ना। तो वो जो आपने बातें बातें में कोई स्टोरी रची है उस पर्टिकुलर है ना, क्या नाम है, उस पर्टिकुलर स्टोरी से ही आप कोई ना रेफरेंस वाला कोई वेबसाइट का लिंक ले लें, ठीक है। लेने के बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रिएट यूआरएल पे क्लिक करें अपन। क्रिएट यूआरएल पे क्लिक करने के बाद आई एग्री का ऑप्शन आएगा और एग्री कर दो उसको, क्योंकि अपने पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक नया नया यूआरएल आ गया, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे जब भी है ना कोई यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी उसके बारे में, ठीक है ना। तो इसको मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, देखो कितने लोग क्लिक करते हैं और फिर उसकी क्या डिटेल्स अपने पास में आती है। भाई वीडियो पर एक बार लाइक करो, जिसको 1-to-1 कोर्स करना है मेरे साथ में, तो चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके भर दो उसको, ताकि आप मेरे साथ में 1-to-1 कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई लड़ो मत, कोई स्पैम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैं चैट बॉक्स में डाल दिया, आप जाके उस पर एक बार क्लिक कर लीजिए एक बार फटाफट, जो डिटेल मैंने जो लिंक मैंने आपको शेयर करा है उस पर एक बार क्लिक कर दो बस, ठीक है ना। और ये साइट जो है ना, ये काफी लंबे समय तक आपका लिंक मेंटेन रखती है, मतलब ये सेशन टाइम आउट वाली बात है, जैसे और चीजों में क्या होता है सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो इसके अंदर कभी नहीं होता है, ठीक है ना। फटाफट एक बार क्लिक कर दो फटाफट चैट, जो मैंने लिंक दिया है, फास्ट फास्ट गाइस। जुबा केसरी का एड चल रहा है, देखो सर यार ग्रेविफाई लिंक के ऊपर बोलो जुबा केसरी सारे सारे एक साथ। ठीक है भाई, तुम्हारा लाइव कब से चलता है? भाई 7:15 से चलता है, मतलब 10:15 से मेरा लाइव स्टार्ट हो जाता है। आज थोड़ा लेट हो गया था यार, मैं थोड़ा सा लैब में बनाने में रह गया था मैं, ठीक है ना। अब देखो क्लिक कर लिया सबने, क्लिक कर लिया बड़ा, चैट बॉक्स में डालो मुझे यस, अगर क्लिक कर लिया है तो चैट बॉक्स में डालो क्लिक्ड क्लिक्ड CLICKED क्लिक्ड कर। हाँ फास्ट फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट
अब सबके साथ अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल या डिटेल जो है वो यहाँ पे देखते रहना सारा सारे ना। फास्ट गाइस कर दिया तो फटाफट डालो एक बार, सर क्लिक कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए गाइस, चट्टी के लिए पार्टिसिपेट करा करो ताकि ना मॉरल बूस्टअप रहता हमेशा। नहीं अंकित आपका नंबर नहीं आया एक्चुअली, मैं अंकित ऐसा करना आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर दो अपने नाम से और नंबर डाल दो वहां पे, ठीक है ना? ऐसा करना इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, नाम और नंबर डाल देना, मैं कॉल करवा दूंगा, ठीक है? कर दिया सबने, सबने क्लिक क्लिक करा कि एक दो ने करा? पास डालो भाई, क्लिक क्लिक, बहुत बढ़िया। अखिल और बाकी सबका क्या हाल है भाई? क्लिक करा क्या लिंक के ऊपर? चेक करना अपन को रिजल्ट भाई, क्या रिजल्ट रहा है? फास्ट फास्ट गाइस फटाफट क्लिक करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? लिंक फास्ट फास्ट क्लिक करो। यस विश्वा ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अनिश ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अखिल ने कर दिया है, वेरी गुड। सत्येंद्र पाल ने कर दिया, बहुत बढ़िया। रेड 446 ने कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो यही तरीका होता है, मतलब हमारा लाइव सेशन लेने का मेन मकसद है ताकि हम लोग डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सके, आप ऐसा लगे जैसे आपके सामने ही क्लास चल रही है, ठीक है ना? पंकज म्याओ म्याओ बिल्कुल, ठीक है ना? देवोजीत ब्रदर थैंक यू सो मच क्लिक करने के लिए, और देवोजीत जो है आज उसने हमारा जो नया वाला एप्लीकेशन में दिखाने वाला आपको ट्रैकिंग के लिए, देवोजीत ने मुझे रेफरेंस दिया, हमारा स्टूडेंट है, वेरी गुड। वी आर अनोनमस, यस हाँ वी आर अनोनमस, भाई ने पहले प्रॉक्सी लगा रखा, मैं जानता हूँ रे भाई, ठीक है ना? चलो सब मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ उसको पेज को, ठीक है ना? चेक करते हैं एक बार क्या हुआ। तो मैंने रिफ्रेश मारा, नाउ वी कैन सी कि ना 24 रिजल्ट आए, मतलब 24 लोगों ने क्लिक करा, बाकी सब क्या कर रहे थे बैठ के रहे। शॉर्ट क्लिक करो चैट बॉक्स के जाके, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आती है यहाँ से, ठीक है ना? मतलब पहले वाली इन्फॉर्मेशन अपन ने क्या करा था कि भाई पहले वाली इन्फॉर्मेशन की भाई आप है ना साइड के थ्रू निकालते, साइड के थ्रू बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है ना? सेकंड थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया अपन ने कि भाई अपन ने ये चेक करा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, मतलब जीमेल के थ्रू अपन निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जीमेल क्या है, थोड़ा सा मतलब एक डायरेक्टली बहुत क्लोज हो गया, मतलब आपको लॉग इन ही करना पड़ेगा फोन के अंदर या उसका यूजर पासवर्ड चाहिए, वो बहुत रेयर केस में पॉसिबल होता है, ठीक है ना? सेकंड अपन ने तरीका क्या निकाला कि भाई अपन वाईफाई मतलब इसकी पड़ी लो सोशल मीडिया अकाउंट अगर उसका है अपने पास तो उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है अपने पास तो फिर आप इस ग्रेविफाई डॉट लिंक के थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा दिख रहा होगा आपको, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, और लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिल पा रही है अभी, दिख रहा है ना आपको? भाई बिगनर हूँ इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बिगनर है तो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको आप परफॉर्म करते चलो, ठीक है ना? और पिछली वीडियो देखो आप, मजा आएगा आपको, ठीक है ना? तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो सिंपल सा स्टेप है भाई, सोलो हैकर, कोई सिंपल सा स्टेप है, कोई इतना बड़ा नहीं है। अब दिख रहा होगा आपको लखनऊ से हमारे भाई ने एक लॉगिन करा, जिसका मतलब क्लिक करा, जिसका जो मॉडल नंबर है वो शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो है, ठीक है? एंड्रॉयड 10 वर्जन यूज कर रहे हैं। एक भाई एक पटना से हमारे हैं, जिनको पहला वाला तो एयरटेल से है और सेकंड वाला जो है वो रिलायंस से। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो और डिटेल मिल जाएगी आपको, दिख रहा है ना? पटना से है, ओप्पो A55S यूज कर रहा है भाई, ये आईपी एड्रेस उसका ये आ गया, और इसको मैंने रेफरेंस दिया था यूट्यूब से, तो पूरा चीज देता है ये बिल्कुल, कि कहाँ से आपने रेफरेंस, सब चीज देता है आपको, ठीक है ना? और देखो गुड़गांव से एक भाई, चेन्नई से है हमारे पास, देखो दिल्ली से एक बंदा है हमारे पास, हैदराबाद से एक बंदा है हमारे पास, देख के भाई पाटन से, नेपाल पाटन, ओहो ये भाई हमारा भाई नेपाल, नेपाल से जो भाई उसका है रेडमी नोट 7S, डालना चाहिए उसमें किसका ही है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखो नीचे अपन देखते हैं, पटना से है, उसके बाद देखो और भी है रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स है गाइस। तो मतलब दिख रहा है आपको लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन कितना, आप कितने लेवल की डिटेल आप निकाल पा रहे हैं, मतलब ये काफी ज्यादा लेवल की डिटेल है जो आपको इजीली नहीं मिल पाती है। मुंबई से कोई हमारे भाई, ठीक है ना, उनका डिटेल दे रखा है यहाँ पे, डडर को यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनोनमस है, प्राइवेसी क्या बात है। फिर विंडोज 8.1 यूज कर रहा है नोएडा से भाई मेरा, कल्याण से कोई है हमारे साथ में, गैलेक्सी टैब सैमसंग गैलेक्सी टैब A4 यूज A7 यूज कर रहे हैं ना, वो हम है नेपाल वाले, बहुत बढ़िया एलेक्स ब्रदर वेरी गुड। तो देखो बिलाई से है कोई, जयपुर से, जयपुर से भी भाई बहुत बढ़िया, जयपुर से बहुत जल्दी आ रहे हैं अपन अजमेर, तो भाई मिलना जरूर, ठीक है ना? उसके अलावा देखो थर्ड पे आते हैं अपन, और नीचे आते हैं अपन, देखो यहाँ पे बेंगलुरु से, अमृतसर, देहरादून, पटना, पुणे, अमरोली, जयपुर, लुधियाना, बहादुरगढ़, समझ आ रहा है? मतलब इतने हम है, पटना से 5 दिन पहले थे, अभी गाँव है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है ना? तो बेसिकली इसके थ्रू आप सारे डिटेल निकाल सकते हैं, और ये थोड़ा सा लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन और बढ़ गया है, 32 लोगों ने क्लिक कर दिया हमारा, हैदराबाद और बांग्लादेश से भी है, ठीक है ना? तो बेसिकली इस वेबसाइट के थ्रू भी आप कुछ डिटेल जो है ना प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं, और ना कुछ कुछ लेवल तक आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मान लो एक लिंक से ट्रैक करना तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यूज ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना, यहाँ पे आपको कोई लोकेशन को अलाउ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करो, यू गेट द आईपी एड्रेस, और काफी कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? अब जो है
मेरा नहीं आया तो भाई आपने क्लिक नहीं करा होगा तो निकल गया होगा कहीं ना कहीं नीचे। अब जो है ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया ठीक है, बैंगलोर से टैप मेरा है पर मैं यूपी से हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उसके अंदर, पर मेरा लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती उसकी, वो रियल टाइम लोकेशन देता है आप, मतलब रियल टाइम नहीं पर हाँ। बैंगलुरु से हूँ मैं भैया अंकित, बहुत बढ़िया अंकित ब्रदर, नहीं बताता मतलब हाँ एग्जैक्ट नहीं बता, बता दूं मैं आपको, ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी अपन उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि इसने आपके फोन से लोकेशन की डिटेल नहीं ली है, ठीक है ना, तो सॉरी आपके फोन से लोकेशन डिटेल नहीं ली है, ठीक है ना, तो इसलिए वो दिखा रहा है कि ना भाई ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है पर ये अप्रोक्सीमेट लोकेशन दे रहा है आपका, ठीक है ना, तो अभी अपन एक्यूरेट लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने फ्लैट धीरे 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 बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग है ना एक्चुअल में है ना लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक्चुअल लोकेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको निकाल के अपना ही, ठीक है ना, तो वो चीज़ अभी अपन कवर करने वाले, तो समझ में आ गया वाला ग्रेवी फाइव, समझ में आ गया, थोड़ा चैट बॉक्स में डाल दो, यस सर समझ में आ गया, फास्ट चैट बॉक्स में डाल दो, यस सर समझ में आ गया। हाँ भाई फिक्स लोकेशन नहीं है, अभी आने वाले प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ मैं फिक्स लोकेशन, नवीन कुमार ने अभी क्लिक करा है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है रिफ्रेश मार लेते एक बार और, देखो यहाँ पे लास्ट में आए, गुड़गांव अमरोली, अमरोली देखो ये कौन सा है, विंडोज 10, लाइनेक्स, रेडमी, शाओमी रेडमी 9, फिर ये रखा है एंड्रॉइड 12, एप्पल आईफोन, किसका है भाई, पटना से, विंडोज, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है अभी आपको ये ना, चलो अभी सब काफी चीज क्लियर हो गई है इसके अंदर, अब फटाफट आते हैं आगे, ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब कि है ना, एक तो ये तरीका हो गया भाई कि ना लिंक के थ्रू अपन डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल लो, अब एक तरीका होता है कि भाई है ना होगा मेरा बिल्कुल नवीन तुम्हारा ही होगा आईफोन वाला, ठीक है ना भाई, ब्लॉग में जो बंदा आते हैं कॉलेज दिखाने वाले वो आप नहीं है क्या भाई, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन भाई, अभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं लेट में थोड़ा सा है ना, थोड़ा रुक जाओ, अभी 11:30 12 के बीच में मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल 1 to 1 ले रहा हूँ बैक टू बैक, उसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, अभी क्वेश्चन मत पूछो मुझसे कुछ भी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया नवीन, अगर आपका है तो आईफोन आईफोन प्रो मैक्स, ठीक है वेरी गुड, प्रो ही जो भी है ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि ना स्पाइंग एप्स, तो ये एक तरीका और है आपके पास लोकेशन ट्रैक करने का, मैं आपको बेसलाइन बता रहा हूँ, बेसलाइन मतलब कि ना मतलब ये मेथड्स है अवेलेबल आपके लिए। अब देखो स्पाइंग ऐप में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, ठीक है ना, लिंक ट्रैकर में आप कोई भी साइट यूज करो लिंक ट्रैक करने के लिए, मतलब बहुत सारी साइट है पर मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि भाई इस टाइप की और इतने लेवल की डिटेल आपको मिल पाएगी। तो भाई गौतम कुमार का क्वेश्चन है कि हाउ टू लिसन अ कॉल, तो भाई ये प्रैक्टिकली ये उसी के लिए है, अगर आपको कॉल्स वगैरह लिसन करनी या फिर पर्टिकुलर आपको फोन को प्रॉपरली अपने कंट्रोल में लेना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको स्पाइंग एप्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई अंकित कुमार, बढ़िया हूँ मैं, बढ़िया हूँ मैं, समझ में आ गया ठीक है ना। तो स्पाइंग एप्स का यूज करना पड़ेगा आपको, तो स्पाइंग एप्स में बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, गूगल पे जाओगे सर्च करो बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, कुछ फीचर दिखाता हूँ मैं आपको स्पाइंग ऐप में ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, गूगल आप जाकर सर्च करेंगे स्पाइंग एप्स तो बथेर पड़ी हुई है, ठीक है ना, देखो ये देखा है 1 मॉनिटर, टॉप 10 दिया भाई ने यहाँ पे, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, आप टॉप 10 वाला खोल लो तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको, लिस्ट ही मिल जाएगी, ठीक है ना, ये एम स्पाई दे रखा है, ठीक है ना, ये अभी सब महंगे महंगे, मतलब देखो ना 4.99 डॉलर दे रखा है बेसिक एडिशन के लिए, ठीक है ना, फिर ये दे रखा है एक और कोको स्पाई, हाँ बिल्कुल जोश इज हाई इन द क्लास, ठीक है ना, ठीक दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ सर सर आ रहा है आपका, उसके अलावा दिख रहा है ये एप्लीकेशन दे रखा है आपको, ये कम का, ये यू मोबिक्स दे रखा है, ये सारी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं स्पाई करने के लिए, सबके अलग अलग फीचर है, सबके अलग अलग कॉस्ट है, आप देख सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ, एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको जो मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है ना, अब ये सारी चीजें कर सकते हैं आप इसके थ्रू, मतलब जीपीएस लोकेशन तो पहला ही रहता है इसके अंदर। सर आज आपने मेरा नाम नहीं लिया, अरे आदित्य भाई कैसे आपका नाम कैसे नहीं लेंगे यार, से मत करो,
अपन सारे सब्सक्राइबर का, जितने सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं ठीक है ना, उन सबका नाम लेता हूँ मैं, गौतम कुमार सी एलआई से, ठीक है ना। दिख रहा है आपको यहाँ पे जीपीएस लोकेशन हो गया, एसएमएस रीडर हो गया, ट्रैक ट्रैक कॉल्स हो गए, फिर जियो ऑफेंस फेंस हो गया, फिर की लॉगर हो गया, फोटो वीडियो व्यूअर हो गया, ये सब के सब आपके यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। तो ये सारा जो है ना स्पाइंग एप्लीकेशन का काम होता है, और ये सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन एक स्पाइंग एप्लीकेशन अपने पास रख सकता है। जो अब जो ट्रस्ट वर्दी क्या होता है, वही होती है जो आपने यूज करा हुआ हो। तो भाई इन सब में से मैंने एक एप्लीकेशन मैंने भी यूज करा हुआ है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जो हम लोग यूज टू यूज करते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। दिख रहा है ना आपको फेसबुक मैसेंजर और ना इंस्टाग्राम। बाद में आपको कोई भी आप पहले एप्लीकेशन को लेने से पहले आप उसको टेस्ट कर लेना एक बार, ट्रायल एडिशन में होना चाहिए वो, क्योंकि ये स्पाइंग एप्लीकेशन कोई भी अपना नंबर नहीं देती है। ईमेल के थ्रू आप ईमेल करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ऐसी धोखाधड़ी बहुत एप्लीकेशन के साथ में होती है, जिसके जैसे 30,000-15,000 रुपए जिनकी कॉस्ट होती है। तो एक बार डायरेक्टली आपने परचेज कर लिया बड़ा वाला और आप लेके बैठे हो और आपकी 12 बज चुकी है। तो मत करना कभी भी ऐसे, कोई भी डायरेक्टली एप्लीकेशन परचेज मत करना, पहले उसका ट्रायल वर्जन अगर अवेलेबल हो तो ही परचेजिंग पे जाना, वरना मत जाना भाई। दादू मैं आपको ठीक है ना एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ जिसका ट्रायल वर्जन अवेलेबल होगा, मैंने काफी सारी एप्लीकेशन बता चुका हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ मैं एक एप्लीकेशन आपको भी। आया अभिनव सिंह शेडो स्पाई, ये एप्लीकेशन आप यूज कर लेना, आपके एक दो दिन की ये ना मतलब इसके ट्रायल वर्जन भी आता है इसका, इसको यूज कर लो आप फटाफट, एक बार चेक कर लो कि ना अगर प्रॉपर काम कर रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर सब दे रहा है तो उसके बाद जाके है ना आप उस, अगर अगर सब दे रहा है तभी जाके आप उसको परचेज करने पे जाए, वरना मत जाए। भाई पंकज इस टाइप के वर्ड्स का आप यूज मत करो ठीक है ना, आप चैट बॉक्स के अंदर आप सेशन को एंजॉय करो, आप किसी को किसी के बारे में कमेंट मत करो, जिसको जो कमेंट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं करने दो ठीक है ना, सेशन पे ध्यान दीजिए प्लीज ठीक है ना। मैं नहीं चाह रहा कि आप किसी भी सब्सक्राइबर को कुछ भी बोले, इवन कोई आपको बोले तो मुझे ये वो भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सारे सारे मेरे पास जितने भी 63 लोग लाइव है वो सारे सारे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है ना। तो कोई एक दूसरे को गाली वाली या कुछ भी इसी तरह कोई गलत चीजें ना बोलो, अच्छा मुझे नहीं लगेगा, आपको तो बाद में बुरा लगेगा पर पहले बुरा मुझे लगेगा ठीक है ना, सारे मेरे लिए बराबर है सब्सक्राइबर ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको, तो ये स्पाइंग एप्लीकेशन बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, और इसको आप आराम से ना लॉगिन वॉगिन करके इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो इस एप्लीकेशन को, दिख रहा है shadowspy.com और फिर डाउनलोड, और उसके बाद फिर डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर लें, ये लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप लॉगिन डायरेक्टली कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद स्पाइवेयर तो इलीगल नहीं, स्पाइवेयर इलीगल नहीं होता, ये चाइल्ड मॉनिटरिंग के लिए हम यूज करते हैं ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चाइल्ड मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन से तो ये इलीगल नहीं है। पर हाँ अगर आप इसको मिस यूज करोगे, आप किसी की लोकेशन किसी का चैट रिकॉर्ड करने के लिए करोगे ना। गेमर N56 न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच ब्रदर, लॉग फ्रॉम अपने गांव से, बहुत बढ़िया अंकित ठीक है ना। तो ये मोबाइल कंट्रोल्स के लिए, मतलब ये पेरेंट्स यूज करते हैं अपने बच्चे कंट्रोल करने के लिए ठीक है ना। तो पेरेंट्स तो कम यूज करते हैं, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए करता है और वाइफ हस्बैंड के लिए करती है, मैक्सिमम तो ये यूज होता है इसका ठीक है ना, बच्चे की तो कोई पड़ी नहीं किसी को ठीक है ना। तो वो चीज है, एक सेकेंड, तो वो चीज है ठीक है ना। तो आप इसको आराम से नॉर्मली आप साइन अप कर लो, क्रिएट करने का अकाउंट बहुत सिंपल है इसका ठीक है ना, सिंपल सा आप इसका डालो यूजर नेम पासवर्ड डाल दो बार और साइन अप कर लो इसके अंदर। और जैसे मान लो कुछ भी दे देता हूँ मैं आपको, चेक लिखता हूं मैं ठीक है ना, इस सब्सक्राइबर आ चुके हमारे साथ में, एक सेकंड मैं काउंट क्रिएट कर लेता हूं अपना। साइन अप, ठीक है सामने देखो फटाफट एक बार। अब अगर आपको यहाँ पे जो डिवाइस मॉनिटर हो रही है, सिंपल सा अकाउंट आपको क्रिएट करना, कुछ नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं है ना, इजी वे में कर सकते हैं अपन। चैनल में ट्राई किया और आपके चैनल पर नॉलेज नेक्स्ट लेवल है, थैंक यू सो मच सोलो हैकर के ना, ये इतना बहुत अच्छा कमेंट करने के लिए कि ना मैंने और भी चैनल ट्राई करें पर आपके चैनल पर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल है, फुल पावर आता है भाई, फुल पावर अपने सेशन है, फुल पावर रहती है हमेशा ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कनेक्टेड डिवाइसेस, लॉक्स वगैरह आपको मॉनिटर करनी है तो भाई लॉक्स वॉक्स आप पूरी मिल जाएगी आपको। अभी पहले चेक कर रहा है कि आपको पहले डिवाइस जो है ना वो ऐड करनी पड़ती है, लॉक्स नजर आएंगे आपको
तो ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, मतलब आप डिवाइस को ऐड कर दो। इसके अब डिवाइस ऐड करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करके फोन के अंदर इंस्टॉल कर लो इसको, बस सिंपल तरीका, कोई बड़ा कोई काम नहीं। अगर आप बोलोगे ना कि भाई इस पे वीडियो बना दो कि भाई कैसे इसको करते हैं, तो वो भी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर डिटेल में जानना है इस ऐप के बारे में कैसे ये वर्क करता है, तो मैं देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। उसके लिए आप जाओ, वही प्लेलिस्ट में जाओ, आप यहाँ पे दे रखा है, देखो डिटेल में वीडियो बना रखी मैंने इसके ऊपर, ठीक है ना, इसको चेक कर लो, है ना। बार बार वही सेम कंटेंट कराने का कोई मतलब नहीं, ठीक है गाइस। बड़ा अब है ना, अब जो नेक्स्ट वाले जो प्रैक्टिकल है उसके लिए मैं 2 मिनट का कोई ब्रेक दूंगा, ठीक है ना। 2 मिनट का ब्रेक मतलब कि है ना, बस इसलिए होगा कि आप प्लीज पड़ेगा इसको अपने व्हाट्सएप डाउनलोड के स्टेटस में फोन के इसको अंदर इंस्टॉल। एक बार अपने जो लाइव सेशन चल रहा है उसको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सिखाएंगे ब्लैक टेक्निक भी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो गाइस फटाफट एक काम कर दीजिए कि ना, बस मैं 1 मिनट का को ब्रेक दे रहा हूँ, आप फटाफट हमारे इस लाइव सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिए और लिख दीजिए लर्न फ्री साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, और लिंक को शेयर कर दीजिए प्लीज। मतलब भाई को सपोर्ट करने के लिए। अब जो आने वाला है टूल वो एक नेक्स्ट लेवल का टूल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं लेने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन टूल लूंगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और वो शायद मतलब इसके बाद वाला तो आपने देखा होगा, पर उसके बाद वाला आपने नहीं देखा होगा मेरे सेशन में कभी भी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अपन हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आगे का सेशन। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे सब्सक्राइबर से कि जो जो सपोर्ट करता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पर हाँ जो सपोर्ट करता है, तो प्लीज आप क्या करें, ठीक है ना, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज आप जाइए इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग को सीख सके, काफी नए लोग भी हमसे जुड़ सके। तो प्लीज भाई इसको एक बार कर दीजिए, और जो लोग एक बार इसको कर देंगे, हाइड्रेटेड ट्राइंगल बहुत दिनों का देखा को सेशन के अंदर, और जो लोग शेयर कर दें प्लीज एक बार ना चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच उस्तान पिंगरा भाई, कर दिया, वेरी गुड। हाँ भाई कर सकते हैं, सीसीटीवी हैक शेड ब्रो, थैंक यू सो मच। Red446 BGM हैकर, थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई जो करे ना वही डालना, मतलब ऐसे नहीं कि तपन सर ने बोला डालना ही है तो भाई लिख दो बस ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो वाली चीज नहीं है, अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं यार ये जो कंटेंट है शेयर होना चाहिए 4 लोगों के साथ में, तभी जाके आप डालना। अगर आपको नहीं डालना चाह रहे तो कोई फोर्स नहीं, आप मत डालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको लगता है तपन सर को सपोर्ट करना चाहिए तो आप डाल देना। थैंक यू सो मच यूसरीज, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच एटजील, थैंक यू सो मच अमन अंश, थैंक आंसर दे देना प्लीज एक बार। थैंक यू सो मच देवोजीत, तेरा तो मैं चेक ही कर लूंगा, रुक जाओ बेटा। और जिन लोगों को 1-to-1 कोर्स करना है तो प्लीज चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, आप जाके इसको भर सकते हैं 1-to-1 कोर्स करने के लिए मेरे साथ में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग के ऊपर जाके फॉलो कर सकते हैं। हम लोग आ रहे हैं अजमेर बाइक राइड करने के लिए, तो जिनको नहीं पता बता दूं मैं आपको, तो आप मिल सकते हैं मुझसे। पीयूष पीयूष सॉरी पीयूष यार, तुम्हारा नाम लिख दो यार, तो भूल जाता हूँ मैं। डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ऑफिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग जो हमारा रिज्यूम कर रहे थे जिनको। अब उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है ना कि ना लोकेशन ट्रैक करने के लिए, तो स्पाइंग एप्स तो हो गई हमारी, ठीक है ना। स्पाइंग ऐप कोई सी, अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई स्पाइंग ऐप का यूज करना है, तो अब इसमें ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वही करो, ठीक है ना, आप कोई सी भी कर सकते हैं। मतलब ये एक ऑप्शन और है आपके पास लोकेशन ट्रैक करने का, ठीक है ना। उसके बाद अमन क्वेश्चन का आंसर दे दिया ऑलरेडी प्लीज, ठीक है ना। तो ऑलरेडी तो स्पाइंग एप्स के अलावा और क्या ऑप्शन है आपको ट्रैक करने के लिए, ठीक है ना। हर चीज के अंदर मैं आपको एक एक चीज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में जो बिल्कुल डेटा है ना वो बिल्कुल सेट से बैठ जाए कि भाई हाँ ठीक है, ठीक है ना। आप मतलब जो आपका डेटा है माइंड में, डेटा जो आपने स्टोर कर रखा है, वो बिल्कुल सेट से बैठ जाए कि भाई हाँ ये ऑप्शन है, इसको इस तरीके से करा सकता है, और इसके 500 और तरीके हो सकते हैं इसी तरीके के। जैसे मान लो कि एक स्पाइंग एप्लीकेशन में डाल दिया, ठीक है ना, तो यही स्पाइंग एप्लीकेशन अब 500 अलग एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई से यूज करो, पर स्पाइंग एप्लीकेशन का डिग्री एक ही है इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है वो डार्क कॉमर्स दे रखा है ट्रोजन के थ्रू, तो ट्रोजन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता ट्रोजन के बारे में, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको करके, ठीक है। ट्रोजन भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप
इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस है तो आप इसको कर सकते हैं, आप सिस्टम के यूजर के सिस्टम को इन्फेक्ट कर दो ट्रोजन से और बार बार उस सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन होते हैं, काफी यूजफुल ऑप्शन होते हैं, दिखा दूंगा मैं आपको सारे ऑप्शन भी अभी एक बार। इसके लिए विंडोज 11 की लैब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिखा रहा हूँ आपको, ट्रोजन दिखा रहा हूँ, ट्रोजन में एक बार। सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया साजिद भाई। भाई तुम लेट आया सेशन के अंदर, तो पहला काम तो करो बड़ा वीडियो को शेयर मार दो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, बाद में बात करना बिल्कुल भाई, कफाया आज तुमसे। ठीक है ना, hackingtool.in पे जाना है आपको सिंपली, और उसके बाद जाके देखो यहाँ पे बहुत सारे देखे मालवेयर का ऑप्शन दे रखा है मैंने, पहले मैं वायरस वाला बंद करते वरना उड़ा दे डायरेक्टली। ये वायरस प्रोटेक्शन बंद कर देता पहले, पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे अब जाइए अपन नीचे आके, एलिजन, एल राइजर, ज्यूस, प्रोरैट, डार्क कॉमेट, बायोडॉक्स, और ये सारे बहुत सारे अलग दे रखे हैं आपको। ठीक है ना, एसिडी ट्रोजन ही बहुत इजी ट्रोजन है, क्लिक करो सीधे हैक, तो दिखा देता हूं मैं आपको। उसके अलावा डार्क कॉमेट भी कर लो आप, दोनों कर लेना। हाँ देवोजित मेरा स्टूडेंट है, देवोजित मेरा स्टूडेंट है। डाउनलोड कर रहा हूँ इसको मैं, बहुत बढ़िया विजय, थैंक यू सो मच विजय। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, hackingtool.in इसका पासवर्ड, hackingtool.in सिंपल है पासवर्ड इसका। ठीक है, hackingtool.in, hackingtool.in ब्रो। ओपन कर लेते हैं इसको, सिंपल सा, मतलब कोई बड़ा टूल नहीं है ये, बहुत सिंपल टूल है और बहुत इजी वे में टूल है। हाँ अमृत से डोरेमोन आज भाई लेट हो गया अपन, एक मिनट का मैग्निफिकेशन चेंज करता हूँ मैं यार। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है सबको प्रॉपर तरीके से, अभी चलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, सुपर सीधे ऊपर जाना है आपको, सर्वर मॉड्यूल पे चल जाना है, ठीक है ना, यहाँ पे आके सिंपल आओ, कुछ नहीं करना, सिंपल जनरेट करें, जनरेट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोसेस म्यूटेक्सेस को आपको बस जनरेट करना है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना है आपको, और उसका सीधे आपको नीचे आना है, उसका चेक करना आईपी एड्रेस, तो सिस्टम का आईपी एड्रेस डाल दो अपना ही। अरे बिल्कुल, सारे स्टूडेंट हो यार मेरे, तो सारे स्टूडेंट का दोस्त ही बनो, आईपी कॉन्फिग मार लो यहाँ पे एक बार 138 डाल दो यहाँ पे, सॉरी 220138। ठीक है ना, इसको चेक कर लेना एक बार कि कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल रही नहीं मिल रही है।
भाई अटैक परफॉर्म करके मत करना, ठीक है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, पर अभी तो मैं ज़्यादा कुछ मैं जाऊँगा नहीं, सिंपल इसको मैं डिस्प्ले कर लेंगे, ऐसा मैसेज आ जाएगा अपने पास, और दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि भाई किस तरीके से नज़र आता ही है ना। ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना अपन, इसके अंदर सीधे अपन जाओ बिल्डर पे, डेस्कटॉप पे फाइल बिल्ड कर लो फायरफॉक्स के नाम से, बस ठीक है ना। अब दिख रहा है आपको डायरेक्टली, जब ये फाइल अपने आ गई है और इसको शेयर कर दो फ्रेंड के साथ में, ही दिख रहा है आपको, ये रहा फायरफॉक्स, सिंपल सा फायरफॉक्स है भाई। मतलब आज अपन सारे तरीके अपन डील कर रहे हैं कि कौन कौन से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे तरीके हैं जो अपन लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे अंदर मालवेयर भी आता है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने पहले देखा हुआ होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ऐसे बहुत सारे मालवेयर आते हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं यूज, ठीक है ना। पर ये एक तरीका है लोकेशन ट्रैक करने का, ठीक है ना। अब देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आ गया। एक सेकेंड, ओके हाँ। अब यहाँ पे आपको लिसनिंग मोड ऑन करना पड़ता है, ये आ गया, दिख रहा है एक्टिवेशन का आ गया। थैंक यू सो मच प्रणव संभालने के लिए चैट बॉक्स, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब डिटेल आ गई है पूरी पूरी, इंडिया लोकेशन और कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ स्पाई के ऑप्शन भी अपने यहाँ पे दे रखे, काफी सारे फंक्शन है, कैमरा वैमरा ऑन करना हो आपको उसका, तो कैमरा ऑन करने के लिए अभी ऑन है क्योंकि मेरा ऑलरेडी कैमरा ऑन है, ठीक है ना। इसके अलावा रिमोट डेस्कटॉप के लिए कैप्चर, दिख रहा है आपको ये पूरा डेस्कटॉप कैप्चर कर लिया है। तो मतलब ये भी अच्छा टूल है, और इसके थ्रू भी आप है ना काफी कुछ काम, दिख रहा है ना, काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो कोई फाइल भेजनी है, कोई साइट ओपन करवानी, वो सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से, है ना। कोई बड़ा काम नहीं है इससे, तो ये एक बहुत अच्छा टूल दे रखा है जिसके थ्रू अपन स्पाइंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। लोकेशन वगैरह की थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे आती है, कौन सी कंट्री से है, वो सब चीजें भाई। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग है, तो प्लीज एक बार जाके है ना फॉलो कर, जरूर कर लेना भाई को। इंस्टाग्राम का अकाउंट का नाम है हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग, भाई को जाके जरूर फॉलो करना एक बार, ठीक है ना। इसके थ्रू अपन ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू ये हो जाता है, इसको मैं क्लोज करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक स्पाईवेयर जो है ना, मतलब कि आपका एक ट्रोजन जो हो गया, वो भी एक तरीका हो गया। अब जो नेक्स्ट तरीका है ये बिल्कुल नया, ये किसी ने पहले नहीं दिखाया मेरे सेशन के अंदर। तो फटाफट चैट बॉक्स में एक बार देवोजीत को थैंक यू ब्रदर लिख के फटाफट डाल दो, देवोजीत थैंक यू ब्रदर लिख के डाल दो चैट बॉक्स के अंदर सारे सारे, क्योंकि ये टूल का मुझे रेफरेंस देवोजीत ने दिया है। चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट देवोजीत थैंक यू, फास्ट फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट। आज का जो ये नया टूल है, ये देवोजीत ने मुझे रेफरेंस दिया, तो अपन सर इसको यूज करो, ये बढ़िया टूल है और बच्चों को मजा आएगा। फास्ट गाइस, और चैट बॉक्स में डाल दो देवोजीत थैंक यू, देवोजीत। ये भाई का नाम भी है, कहाँ चला गया रे, देवो ज्योति ऐसा करके है कुछ, ये तो नाम चेंज कर भाई तू, देवोजीत कर रहा है वो। थैंक यू, ऐसे ऐसे करके डेमो जीत नहीं है भाई, देवो जीत, चैट बॉक्स में डाल दिया मेरा नाम उनका, अपना स्टूडेंट है यह बात। आज का ये टूल देवो जीत के नाम, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक देवो जीत हैंडल कर लेना यह बात। देखो मैं कंटेंट तो मैं भी सर्च करता हूँ, मैं भी ट्राई अपने पूरे एफर्ट्स करता हूँ कि ना कि भाई ना ट्राई करता हूँ कि आपका बढ़िया से बढ़िया दे सकूँ, पर कई बार कुछ टूल्स जो होते हैं ना मैं खुद भी ढूंढ नहीं पाता, तो
तो मैं भी अपने स्टूडेंट से ले लेता हूँ रेफरेंस कि भाई कौन सा बढ़िया अच्छा सा है ना टूल बता दो। तो अगर आपको कोई टूल लगता है तो अपन सर ये टूल बना दो, तो आप है ना इंस्टाग्राम पे जाओ उसमें मुझे है ना मैसेज कर देना, तो अपन सर आप ये डाल दो, ये टूल ले लो, ये बढ़िया टूल है, ठीक है ना। तो बढ़िया रंग रंग दिया भाई, रंग दिया बढ़िया। ठीक है ना, तो प्लीज एक बार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और गाइस अगर आपको कोई भी ना मुझसे ना कोई भी टॉपिक वगैरह सजेस्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके कर सकते हैं, या फिर हाँ MD मोहम्मद भाई ऐसे मत करो, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये टूल दिखाने वाला हूँ, ये बहुत खास टूल है इस पर्टिकुलर आज के विनिंग टूल के अंदर में से, ये टूल बेस्ट टूल है और ये बहुत बढ़िया लेवल पे मैंने मतलब ढूंढा है, ठीक है ना। देखो जी इतने और मुझे बताया इस चीज के बारे में कि भाई ये टूल आप यूज करो, ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए बहुत अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर टूल के बहुत सारे वेरियंट दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चेक करते हैं इंस्टाग्राम नेम, भाई भाई इंस्टाग्राम का नाम है, मैं लिख देता हूँ, जिसको मुझे कुछ भी डिटेल भेजनी है, ये कोई टूल सजेस्ट करना है, तो वो सारे सारे मुझे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ही मैं ले पाऊंगा सारे टॉपिक्स। अगर आपको कोई सजेस्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डाल दोगे तो मैं उसको रख लेता हूँ, फिर मैं कभी भी जैसे जब मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मैं उसको ले लेता हूँ उस टॉपिक को, ठीक है ना। हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग पे जाए कर सकते हैं अपन, ठीक है। बैटमैन जाइए इंस्टाग्राम पे, फटाफट जाके भर दीजिए, है ना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ना मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो आज बात करना है स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में। स्टॉर्म ब्रेकर जो है ये बेसिकली एक, हाँ थैंक यू सो मच प्रणव, स्टॉर्म ब्रेकर जो है कि लोकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है और ना लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। पहली बात तो इसका इंटरफेस जो है ना वो लाजवाब है, मतलब चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंसेस के पर्टिकुलर यू नो इंटरफेस की सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वो लगा, ठीक है ना। तो वो दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, चलते हैं काली नेक्स के ऊपर। ब्रो कैन यू प्लीज मेक एथिकल हैकिंग कोर्स, भाई ऑलरेडी जिसने नहीं करा है एथिकल हैकिंग कोर्स हमारे यहाँ से, तो दिखा दूं मैं आपको कि हमने ऑलरेडी एक वर्कशॉप ली थी अभी 3 घंटे की। तो गाइस जाओ और चेक चेक दिस आउट कि ना भाई आपके भाई ने किस टाइप का डिटेल प्रोवाइड करा है आपको। गिव अवे वर्कशॉप थी हमारी, जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए मैंने गिव अवे करा था 3 घंटे का Hey रेगुलर कंटेंट, everybody, मतलब if you मैंने have a था तीन goal, घंटे का you प्रॉपर वर्कशॉप दिया था, जो 400 से 500 600 रुपये मिलता है मार्केट के अंदर, वो अपन ने फ्री में दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पे, हाँ क्या क्या है ये, गेमर MN6 रिक्वेस्ट सर टू हैव द मॉन्स्टर इज बैक लाइट, मस्त है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आए थे अपन, तो ठीक है ये टूल का नाम दे रखा है आपका स्टोम बेकर, ठीक है ना, STROM STORM BREKER। इंस्टॉल करना सिंपल सिंपल तरीका है, दिखा दो मैं आपको, ये रहा पहला वाला, सिंपल तरीका है इसको इंस्टॉल करने का, है ना। चैट बॉक्स में डाल रहा हूं मैं आपके, ठीक है भैया। भाई आज अपन 900 के निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अभी कितना हो गया, 8.89 हो गया अभी अभी, अभी आज आज के अंदर अभी अपन को सेशन एंड करने से पहले 8.90 कर देंगे अपन, और 9K में जा रहा हूँ कल सुबह तक कंप्लीट हो जाए, पर चाहने से कुछ नहीं होता, काम करने देता है बॉस, ठीक है। चलिए ठीक है आता है अपन वापिस अपने सेशन के ऊपर, और ये टूल आप यूज करना, बहुत सिंपल तरीका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। कमांड सारी यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी आपके सामने,
अगर आप काली लिंक्स यूज कर रहे हैं, सिंपल कमांड्स आपको यूज करनी है, ठीक है, गिट क्लोन और ये डाल देना आप डाउनलोड करने के लिए इसको, फिर सीडी और फिर स्पेस देखिए क्रोम ब्रेकर sudo bash install डॉट एस एच, ठीक है, sudo python 3 hyphen m pip और फिर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायर्ड डेटा है इसका वो सब आपको इंस्टॉल करने के लिए, उसके अलावा sudo python 3 st.py ये कमांड आपको डालने, इसके अलावा एक और टूल है साथ में वो डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड ngrok, क्योंकि ये सर्वर बना देगा और एप्लीकेशन होस्ट कर देगा आपके सिस्टम पे, पर आपको उसको इंटरनेट पर डालना पड़ेगा, इंटरनेट पर डालने के लिए आप ngrok का हम लोग यूज करते हैं। ngrok एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपको इंटरनेट के ऊपर एक पब्लिक लिंक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने होस्टेड सिस्टम को आप इंटरनेट पर डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तरीका दे रखा है सिंपल डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लो पहले अपने कंप्यूटर के अंदर, जो भी आपका लैपटॉप आप में डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है ना, काली लिंक्स के लिए, विंडोज के लिए भी आता है ये, ठीक है ना, विंडोज में भी कर सकते हैं अपन इसको, पर अभी जो चल रहा है ये वादू में ngrok सर्वर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, आज मुझे भी आई है पंकज भाई, सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है ना, टेंशन मत लो, आ रही है सबको, आ रही है अभी दिख रहा है मुझे। नर्मन ने बोला कि मेरी इंस्टाग्राम एग हो चुकी है, लेकिन कितना ही ट्राई किया लेकिन वापस नहीं मिल रहा है, अब चाहता हूँ कि बंद हो जाए, क्या करना होगा? तो भाई आपने, आप चैनल पे पैसा मेरा तो नए हैं, आपने हमारी पहली वाली वीडियो देखी नहीं है, ये चेक कर लो एक बार, मैं सोल्यूशन दे रखा कहाँ पर रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है भाई, वीडियो बनाओ एक बार लाइक मार दो, जो लोग नए प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा ना, आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड जो है ना ये ऐड करना पड़ता है। हाँ बता रहा हूँ BGMI एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एरर क्या आता है कि अगर इन केस आपने ngrok को स्टार्ट करा तो वो आपको है ना ऑथेंटिकेशन की चाहिए होता है, उसके बाद ही आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, ngrok पे जाके आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, साइन अप करने के बाद ही आप पहले क्रिएट कर लें अपना अकाउंट, लॉग इन कर लीजिए, लॉग इन करने के बाद वहां से आपको ऑथेंटिकेशन कोड मिलेगा यहाँ का, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन कोड, और उसके बाद जाके ngrok के अंदर जाके इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, तब जाके आपका ऑथेंटिकेशन कोड जब सेटअप हो जाएगा तभी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं चला पाओगे, क्योंकि मेरा सेशन इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरा भी ngrok नहीं चल रहा था, ठीक है ना, अपन को ऐसा नहीं कि छुपाते नहीं है भाई, सेशन इसलिए लेट हो गया क्योंकि देवो जी ने बताया मुझे कितना 10:15 आप बताया मुझे, तब सर ये आप ना यूज कर लो, ठीक है ना, उसके अलावा फिर क्या हुआ था, सर विल टेल द सॉल्यूशन टू ngrok प्रॉब्लम प्लीज वेट, ठीक है ना। तो देवो जी ने बताया मुझे 10:15 के आसपास, तब सर ये आप ngrok के साथ में कन्फिगर कर लो, जब मैंने ngrok को चलाया तो उसमें एरर दे रहा था मुझे कि ना ऑथेंटिकेशन कोड सेटअप करो, लॉगिन पेज दे नहीं रहा था मुझे वो, तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि उसके साइड पे गया, लॉगिन करा और फिर मैंने ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो मैंने ऐड करा, तब जाके मेरा चालू हुआ मेरा भी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको भी ऐसे ही चलाना है, एलएस कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो आपको दो एप्लीकेशन चालू रखनी है, वहां तक करने के बाद आप इधर आ जाओ, यू वेलकम ब्रदर, फाइनली देवोजीत इज बैक, देवोजीत ने आंसर दे दिया हमारे बीच में, चक्रवर्ती है भाई चक्रवर्ती, इसको आपने ब्लॉग में देखा होगा, हमारे JCRC वाले ब्लॉग में अगर आप जाओगे ना तो देवोजीत को आप देख पाओगे, ठीक है ना। उसके अलावा देखो sudo देगा, sudo स्पेस python 3 st.py, ठीक है ना, अभी ऑलरेडी मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर उसको ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है मेरा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, एंटर कर दीजिए, तो भाई इसका इंटरफेस बहुत तगड़ा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रहा है ये, हाँ नेटवर्क टैक ने क्वेश्चन पूछा, सर कैन आई शेयर योर वीडियो ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस, भाई बहुत सारे लोगों को मैंने यही बोला है, रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करिए ताकि काफी लोगों तक और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच नेटवर्क टैक शेयर करने के लिए हमारी वीडियो को ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है अभी सबको नॉर्मल प्रॉपर नजर आ रहा है। स्कॉर्पियन कपिल ने दिया है अपन को सुपर चैट, थैंक यू सो मच ब्रदर, स्कॉर्पियन कपिल 20 रुपीज का, थैंक यू सो मच ब्रदर। मैंने यार एक चीज ऐड कर दी शायद वो चल नहीं रहा यार मेरा, ठीक है ना, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, चलता कोई दिक्कत नहीं सर, आप इंस्टाग्राम पे आईडी बंद करने को उसका वीडियो का लिंक डाल रहे थे, तो भाई मैंने डाल दिया ऑलरेडी, नरमान मैंने डाल दिया ऑलरेडी है ना चैट, एक बार चेक कर लो, नहीं मिला तो ऑफिस डालता हूँ यार, सेशन में भरे हुए तो कि आंसर ना मिल जाए ब्रदर। आया भाई सेल ऑनलाइन, डाल दिया मैंने वीडियो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अपन करते हैं इसको, दिख रहा है आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, जीरो ऑप्शन पे क्या है, गेट नॉर्मल डेटा विदाउट एनी परमिशन, मतलब कि बिना एक परमिशन के भी आप डेटा निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा देखो क्या दे रखा है, गेट लोकेशन स्मार्टफोन्स के लिए स्पेशली दे रखा है, ठीक है ना, स्मार्टफोन के लिए दे रखा है ये, तो वो चीज दे रखा है, एक मिनट जाओ, हाँ थैंक यू स्कॉर्पियन कपिल, मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, तो अननोन यूट्यूबर 666666, हेलो ब्रदर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको उसके ब्राउजर से नॉर्मल डेटा चाहिए तो आप पहला जीरो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। अगर आपने वाला तब सर मुझे तो लोकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, तो लोकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने वाला तब सर मुझे तो उसका कैमरा एक्सेस चाहिए, मतलब वेबकैम एक्सेस चाहिए उस बंदे का, तो उस कंडीशन में आपको टू ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और आपने बोला तब सर मुझे तो उसका माइक्रोफोन एक्सेस चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको चूज करना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन। या फिर आपने वाला तब सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, तो आपको चूज करना पड़ेगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये चीज है भाई, 2 GB RAM में तो कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ दो आप, सपना बेकार है अपना, ठीक है ना। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ पहले आपको नॉर्मल डेटा, जीरो पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, जीरो डालता हूं मैं, एंटर, ठीक है। अब देखो यहां पे दिख रहा है आपको, अब इसने क्या कर दिया, ये एक लोकल उसको लगा दिया, इसने बोला प्लीज रन ngrok ऑन पोर्ट नंबर 2525 एंड सेंड लिंक टू द टारगेट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पे कि अब ngrok आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा दूसरे वाले टर्मिनल के अंदर, ताकि आप इसको पोर्ट नंबर 2525 पे चालू कर सके, ठीक है ना। मैं आपको ngrok दिखाऊंगा बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है ना, वरना क्या होगा कि अभी फिर सारे सारे लोग उस पे लिंक पे डालना शुरू कर देंगे और फिर लोकेशन आएगी नहीं अपने पास, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे लास्ट में जाके दिखाऊंगा मैं आपको, अभी मैं इसको लोकल होस्ट में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट में मैंने क्लिक करा और ओपन लिंक टेस्ट करने के लिए, अब दिख रहा है नॉर्मल साइट खुल रही है आपके सामने, दिख रहा है नरमन, अगर आपको बात करनी है, अगर आपको बात करनी तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे ना, यहाँ देखा है हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग दे रखा है इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप वहां पे जाके मुझे पिंग कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए पहले फिर पिंग कर दीजिए, और वहां से जाके ना वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना, वहां पे मैं रिप्लाई करता हूँ, अभी 2 दिन से नहीं कर पाया था पर अब करूंगा रिप्लाई, हाय बगंडर ब्रदर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीजें दिख रहा है आपको, ये आपने अच्छा एक साइट नजर आ रही है, अब इस साइट से क्या हुआ, कुछ नहीं, साइट ओपन होगी अपने सामने, और अपन नीचे आ रहे हैं, थोड़ी सी स्क्रॉल दिख रहा है, एनिमेशन दिख रहा है आपको, पर इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ ये आपको पता नहीं चला होगा शायद से, बैकग्राउंड में हमारी इंफॉर्मेशन चली गई, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली मतलब ये उसने उसके सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल के दी है आपको, जिसके अंदर उसका ओएस आ गया, ओएस कौन सा यूज कर रहा है वो, तो मैंने दिखाया कि मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना, और उसके अलावा वर्जन कौन सा है वो दिखा रखा है, आईपी एड्रेस आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, उसके अलावा सीपीयू कोर्स आ गया हमारे, उसके अलावा मैं कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, फायरफॉक्स मैं यूज कर रहा हूँ वो आ गया, और उसके अलावा वर्जन कौन सा 19.1। अब इससे अगर आपको पता चल गया कि भाई कौन सा वर्जन है उसका, और अगर वर्जन में कुछ इशू होगा तो फिर आप और भी टूल से जो ब्राउजर को हुक करते हैं उन टूल का यूज करके ब्राउजर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है इस इंफॉर्मेशन कितनी यूजफुल है आपका। उसके अलावा सीपीयू आर्किटेक्चर आ गया मेरा AMD 64 दे रखा है, रेजोल्यूशन आ गया 1920 और 1080, ठीक है ना, और ईस्टर्न डे लाइट टाइम दे दिया आपका इसका, और यूएस आ गया,
मेरा टाइम थोड़ा डिफरेंट चला दिख रहा होगा आपको, पूरे टाइम डिफरेंट चल रहा है मेरा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में तो यू आ जाता है। अब देखो कि दूसरी चीज क्या करते हैं अपन नेक्स्ट। अब ये है कि आपको उसका एक्सेस करना है वेबकैम। तो वेबकैम एक्सेस करने के लिए अभी क्या एक्चुअल में क्या कि मेरा कैमरा अभी चालू है लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो इसलिए प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा ये, पर दिखा देता हूँ मैं करेगा कैसे। तो भाई बेस्ट प्लेस टू लर्न नेटवर्किंग फॉर फ्री, आप सरफेस वेब पे ढूंढो भाई, डाक पे मत जाओ ढूंढने के लिए, सिर्फ खाली ये नेटवर्किंग ये ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे आपने लगा मुझे सेकेंड ऑप्शन चाहिए भाई, डेली 2 क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड होता हूँ। अभी इनकेस आप मानोगे नहीं, मेरा खाना मेरे बगल में पड़ा हुआ है, और इवन मैंने दिख रहा होगा मेरा पूरा खाना मेरे बगल में यार रखा हुआ है। इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं खाना भी खा पाता। मैं आया सीधे ऑफिस से और मैं पीपीटी बनाने में लग गया, प्रैक्टिकल्स करके देखा देखा मैंने, वो सब करने में लग गया, और फिर मैं खाना भी नहीं खा पाया। तो ऑलमोस्ट मैं खाना खाऊंगा 1-1.5 बजे के आसपास। आज तो नॉर्मली जल्दी खा लेता हूँ मैं, पर आज मैं बहुत लेट खाने वाला, तो इसलिए डेली 2 सेशन तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है गाइस, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना मैक्सिमम दे सकूँ। रिद्धि और मैं दोनों एक एक सेशन लेंगे आपका, तो दिन में शायद 2 सेशन हो जाए आपके, ठीक है ना। ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, पर गाइस बस एक चीज पूरी कर देना कि हमें इस नेक्स्ट हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट हफ्ते से पहले पहले मतलब इस हफ्ते के एंड एंड तक, सैटरडे तक संडे तक 10K सब्सक्राइबर अपन को कंप्लीट करना हमारे चैनल के ऊपर। तो गाइस प्लीज ट्राई करना कि ना सपोर्ट करो, प्रमोट करो, और लोगों तक फैलाओ कि भाई एक ऐसा चैनल है जहाँ का आपको रियल में आगे मिलती है। तो प्लीज आप जुड़ सकते हैं आप इस चैनल से, इतना ही काफी है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सेकेंड वाला, तो एक्सेस वेबकैम। तो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि एक्चुअल में क्या कि मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है ना। तो दे रखा है यहाँ पे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हे एस के साथ दिख रहा है आपको ऐसा फोन बना। अभी ये फोन में अगर आप ओपन करोगे भाई तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब फोन में तो एक अलग ही ओपन तरीका होता है इसका, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे देखा ये ऐसा ये फोन वोन आ गया आपका, तो मतलब ये मतलब देख के लगेगा नहीं कि भाई ये क्या स्पाइंग, कोई मतलब कोई स्पाई कर रहा है, कोई एप्लीकेशन निकाल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको अभी कर देते हैं, इसके क्लिक करता हूँ मैं। अभी मेरा कैमरा ऑन है तो भाई कुछ नहीं चलाएगा ये अभी आपको, ठीक है ना। ये फोन में चलेगा बढ़िया, मतलब आपको फोन में चलेगा ये बढ़िया, दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ऐसा बना हुआ आता है फोन के, दिख रहा है ना आपको कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसके थ्रू आप है ना आराम से फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं आराम से, पर ये फोन में चलेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। फेस ऐप, यस गाइस यस, ध्यान दे अपन सर जब भी सेशन लेकर आएंगे, यार रिद्धि मैम जब भी सेशन लेकर आएंगे आपके लिए, हम लोग रिसर्च कंटेंट लाते हैं, बेकार चीज गार्बेज कभी लाते ही नहीं है। हमारे हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने के लिए मिलेगा, तो वही नेक्स्ट लेवल भाई फुल पावर के साथ में आते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और सपोर्ट आपकी तरफ से लगना चाहिए बस हमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आके चेक करता हूँ मैं क्या मिला मुझे, आ गया यहाँ पे डिटेल। अब देख रहा है वेटिंग फॉर रिसीविंग विक्टिम्स पिक्चर। अब ये अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्चुअल में रीजन क्या है कि मेरा कैमरा अभी मोबाइल का कैमरा मैंने ऑन नहीं कर रखा, ठीक है ना। मतलब मोबाइल मोबाइल में अगर इसको मैं लिंक को ओपन करूंगा तो ये मुझे मुझे क्लिक करेगा और ये दिखाएगा कि आपका कैमरा, मतलब ये एप्लीकेशन दिखाएगा कि आप इससे ना एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाएगा ये उस बंदे के पास, वादू भाई मैं Red446 वादू, मैं अभी मैं इसका लोकल होस्ट पे ट्राई कर रहा हूँ, मैं एनजी रॉक को यूज नहीं कर रहा, मैं लास्ट में जाऊंगा एनजी रॉक को चलाने के लिए, ठीक है ना। अभी मैं लोकल होस्ट पे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेबसाइट टू लर्न नेटवर्किंग इन डेप्थ, ब्रो टेल मी द बेस्ट वेबसाइट टू, भाई अभी तो रुक जाओ, ये तो पहला जो पढ़ा रहा हूँ वो सीख लो, ठीक है ना। दिख रहा है आपको वेटिंग टू रिसीव अ विक्टिम पिक्चर, सो ये थोड़ा वेट करेगा उसके लिए, पर कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा देखो एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अब अपन ने मतलब वीडियो वाला तो मतलब फोटो वाला कर लिया अपन ने, ठीक है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गई है। अब एक बार कॉल वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। थर्ड वाला जिसका ऑप्शन है एक्सेस माइक्रोफोन, यहाँ पे गया क्लिक करते हैं, ओपन लिंक करते हैं, ऐसा आएगा दिख रहा है ना आपको, अलाउ एक्सेस रिडायरेक्ट। हे गाइस ऑपरेटिंग वर्ल्ड दिस साइड, तपन के यार जाओ, और आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है सब चीज मेरे साथ में, ठीक
इधर करता हूँ मैं क्लिक करके, और ये चला गया वहाँ पे ब्लैंक वेबसाइट के ऊपर भाई, कोई साइट ओपन हो गई सामने, ठीक है ना। इसको बंद कर देता हूँ, चेक करता हूँ वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है मेरी। वो आ गई भाई, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये आ गया यहाँ पे। ऑडियो आपने सेव कर लिया है गाइस, ऑडियो सेव कर लिया। चेक करना चाहोगे कितने लोग इस ऑडियो को चेक करना चाह रहे हैं? चैट बॉक्स में डालने फटाफट यस और नो गाइस, फटाफट डालो चैट बॉक्स के अंदर। गोस्ट राइडर लव यू ब्रो, फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट डालो चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग जो हैं चेक करना चाह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। आई जस्ट नीड टू चेक, मैंने इससे पहले ट्राई नहीं करा था इसको। गाइस फास्ट डालो चैट बॉक्स के अंदर कि आपको देखना सुनना है नहीं, सुनना है कि नहीं, फास्ट फास्ट गाइस, चेक करना है नहीं है। यस यस कोडी राजू और बाकी सबको क्या एक्साइटमेंट लेवल है भाई, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, यस 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 कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। ये सुना चलते हैं और चेक करते हैं गाइस किसके अंदर क्या मिला अपन को, किसने कुछ करा भी है कि नहीं। ओ भाई फुल माहौल, फुल पावर चल रहा है आज तो, फुल पावर। कहाँ चला गया, कहाँ डाउनलोड करा था ये डाउनलोड? स्टोन ब्रेकर मॉड्यूल्स। ओ गाइस दिख रहा है आपको कितने सारे ऑडियोज आ गए। ओ इसके अंदर इशू आ गया क्योंकि मेरा ऑडियो भी इधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इशू आ गया, कोई दिक्कत नहीं गाइस। ओ गाइस इसमें दिक्कत आ गया, ओ दिक्कत आ गया। एक्चुअली मेरा अभी माइक्रोफोन ऑलरेडी मैं यूज करके बैठा हूँ भाई, मेरा जो दिख रहा होगा आपको माइक मैंने लगा रखा है यहाँ पे, तो मेरा माइक्रोफोन ऑलरेडी यूज में आ रहा है, इसलिए ये एक टाइम पे दो एप्लीकेशन आपके सेम डिवाइस को यूज नहीं कर सकते, सेम आपके ना अडेप्टर को यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये इशू आ रहा है। अगर मान लो अभी मेरा माइक्रोफोन बंद रहता ना, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर पाता और आप सुन पाते कि मैंने क्या बोला है, पर रिकॉर्ड करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे इमेज के अंदर भी अभी इमेज नहीं आएगी कि मेरा फोन में ओपन करना पड़ेगा। कौन सी चैट में समझ में नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी तपन सर। कोई दिक्कत नहीं नरमन, अभी बता दूंगा मैं आपको, 2 मिनट दो, मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दूंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन के सबके आंसर मिलेंगे। 2 मिनट सेशन मुझे बस कंप्लीट करने दो। अब लास्ट जो है इसका ऑप्शन जो बचा हुआ है वो कौन सा है, दैट इज योर फोन का। तो गाइस बता दूं मैं आपको, कोई कोई मिसयूज मत करना अभी इसको, मैं वन बाय वन ओपन करूंगा, अपने फोन में ओपन करूंगा ये चीज, ताकि आप मेरी एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर सको सारी चीजों को, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र करना, ज्यादा मस्ती मत करना सेशन के अंदर, वरना आप समझ नहीं पाओगे उस कॉन्सेप्ट को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। अब मैं यूज करने वाला हूँ एनजी रॉक का, और मैं इसको करने वाला हूँ होस्ट, ताकि ये मैं सिस्टम को रिकॉर्ड ना करे, बस मैं इंटरनेट पे जहाँ पे भी इस लिंक को ओपन करूंगा उस सब जगह ये काम करे। अब दिखाने वाला हूँ एनजी रॉक को इसके साथ में इंटीग्रेट करके गाइज, तो थोड़ा सा सतर्क रहो, देखो सामने, कोई मस्ती मत करना चैट बॉक्स के अंदर, दादू मैं आपको कोई भी लिंक को ओपन करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, खतरा फिर आपको ही रहेगा। तो अब मैं करने वाला हूं जो वो बहुत स्पेशल होने वाला आप लोगों के लिए, तो एनजी रॉक भी मैं साथ में यूज करने वाला हूं, और ये भी यूज करूंगा मैं यूज करने वाला हूं कौन सा वाला, वन नंबर। कौन से पे एनजी रॉक चलाना है मुझे दिख रहा है ना, ये कमांड आ गया, ये मुझे रन करना है यहाँ पे एनजी रॉक 2897 गाइस, चुपचाप से तो देखना 2897 ध्यान दें आपको। हाँ बिल्कुल उसका ही लोकेशन एग्जैक्ट था। अब ये बोल रहा है कि आपको कौन से पोर्ट पे, तो एनजी रॉक डालना है आपको, टूल का नाम होगा ये HTTP की ना, HTTP प्रोटोकॉल पे ऑन करना है अपन को, ये HTTP पोर्ट पे रन करे अपना, और ये कौन से पोर्ट नंबर ट्रैफिक लेके जाए, इधर रखा है 2897। थैंक यू सो मच प्रणव। रुपेश भाई थोड़ी देर पहले आपको कमांड भी समझ में नहीं आ रहा था ना, एडवांस की बोल रहे हो एंटर करता हूं मैं, अब चेक करता हूं इसको मैं, को मैं जाता हूँ अपने मोबाइल में ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको एंड्रॉइड ओपन करके। तो
कॉलन स्लैश स्लैश दो मिनट देना, 2 मिनट देना, वेट करना बस। ठीक है, एंटर। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस। मैंने ये साइट को ओपन कर लिया है फोन के अंदर अपने, और ये बोला विजिट साइट, तो मैं जा रहा हूँ साइट विजिट करने के लिए। एंड सी गाइस, ये कैसा नजर आता है ये एप्लीकेशन। सी, आप देख के पहचान नहीं पाओगे ये एप्लीकेशन कैसा है। दिख रहा है यहाँ पे मैंने ओपन करा है लिंक, दिख रहा है आपको? इसको चेक करने का तरीका और दिखा रहा हूँ मैं आपको, मतलब बहुत जेन्युइन, बहुत लेजिट नजर आएगा। मतलब आप यू कैन नॉट सी कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। ये दिखा रहा है आपको कि ना, ये आपके आसपास का दिख रहा है आपको, ये देखो इसके अंदर, मतलब ये कहना वेदर एप्लीकेशन नजर आएगा, वेदर एप्लीकेशन, कि आपके आसपास का वेदर दिखाने के लिए ये एप्लीकेशन, ऐसा इंटरफेस नजर आता है इसका। अभी दिखाऊंगा मैं इसको अपने लैपटॉप में भी ओपन करके, ताकि दिख जाए आपको कि मोबाइल में कैसे नजर आने वाला है। ऐसा ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे चेंज लोकेशन ऑप्शन आता है, जैसे आप क्लिक करते हो चेंज लोकेशन पे, ये ऐसे पूछेगा ओकेशन के लिए, आप जैसे डालोगे भाई कुछ नहीं दिया इसने, दिख रहा है आपको? और मैं ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरा ये लोकेशन का डिटेल आ गया यहाँ पे, डीक पॉइंट आ गया मेरा। ओपन लिंक करता हूँ गाइस, तो देखो आप चेक करने वाला हो मेरी रियल लोकेशन गाइस, दिख रहा है आपको? और ये दिया इसमें कोड़ा सिटी के पास में, यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा डीप पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है गाइस, एग्जैक्ट लोकेशन है ये मेरा कोटा, यहाँ पे गड़िया पॉइंट। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन गाइस। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोकेशन निकाल सकते हैं। और बता दूं मैं आपको कि इससे एडवांस आप कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब अगर कोई हैकर ये बोल रहा है ना कि भाई मैं तुम्हें लोकेशन दे दूंगा, मैं आपको इन सब तरीकों का, इसके अलावा एक दो तरीके और है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, के अलावा कोई और तरीके से, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, खत्म, बस फिनिश, इतना ही है। समझ में आ रहा है? मतलब इसी लेवल तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, डीप पॉइंट से ऊपर कुछ नहीं मिलता। तरीका आप कोई भी यूज करो, आप फिशर यूज करो, सिकर यूज करो, आप है ना ये वाला ग्रीन, क्या नाम है इस टूल का भी यार, ये भूल गया एकदम से यार, सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है ना, आप जो ये टूल है उसका यूज कर लो आप, मतलब कोई भी आप यूज कर लो, पर यही है, मतलब इसी लेवल पे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, इसके ऊपर की इंफॉर्मेशन आप निकाल नहीं सकते। ठीक है ना, स्ट्रोम ब्रेकर आप यूज करो, कोई भी आप यूज करो, पर इससे ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको। ठीक है ना, पुलिस स्टेशन के बगल में हैकिंग, अपना स्वैग चलता है भाई, स्वैग चलता है अपना। ठीक है ना, उसके बाद देखो, इसके बाद जो है ना, मतलब अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी कुछ तरीके ऐसे होते हैं। सर कमांड कब पढ़ाओगे भाई? कमांड जल्दी पढ़ाएंगे आपको। कौन से कमांड की बात कर रहे हैं? यू सीरीज, पीयूष भाई। ठीक है ना, तो अभी इस पे खत्म नहीं हुआ, पर कुछ लोग हार्डवेयर का भी यूज करते हैं लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, तो गाइज वो भी काफी नेक्स्ट लेवल होता है। उसके लिए आप डायरेक्टली बहुत सारी स्पाइंग डिवाइस मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, स्पाइंग डिवाइस बहुत सारी मिल जाएगी, जहाँ पे अपने आई करते, अपने इससे सनग्लासेस हो गया अपना, या फिर सबसे अलग अलग तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिख रहा होगा आपको बहुत सारे गैजेट्स मिल जाएंगे आपको, सीधे गूगल पे जाइए, मतलब अमेजन पे आके सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली आप इसको, दिखाता हूँ मैं आपको भाई। उन पुलिस के लिए हम लोग काम करते हैं, इसलिए दिख रहा है आपको ये सारी स्पाइंग डिवाइसेज है, आप इन सब का भी कर सकते हैं यूज। अडेप्टर देखा है, चार्जर, लोग इसका भी यूज करते हैं स्पाई करने के लिए, इवन लोकेशन ट्रैक करने के लिए, दिख रहा है ना आपको जीपीएस, वॉइस रिकॉर्डर, इसका करते हैं यूज, पैन के अंदर लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ये हार्डवेयर सारे दिख रहे हैं ना आपको, आप अपने बटन में लगा सकते हैं इस चीज को, आप सनग्लासेस में लगा सकते हैं आप इस चीज को। ठीक है ना, वो सब चीज दे रखा है यहाँ पे। उसके अलावा आप इसी कार के लिए भी कर सकते हैं इसको ट्रैक करने के लिए, कार को ट्रैक करने के लिए भी आता है। सो ये हार्डवेयर भी लोग यूज करते हैं ट्रैक करने के लिए। ठीक है ना, सो आप दिख रहे ना आपको यहाँ पे सॉकेट पे डाल दिया आपने। ठीक है, ऐसे लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना पॉसिबल रहती है, हार्डवेयर जो था।
इस सेशन का लास्ट था हमारा, ठीक है ना, वही हार्डवेयर के थ्रू भी लोग लोकेशन ट्रैक कर पाते हैं। अब लास्ट चीज की अपन, सर पुलिस फिर लोकेशन कैसे फाइंड आउट करती है भाई, ठीक है समझ में आ गया। जब लास्ट ये चीज हो गया तो पुलिस किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है लोकेशन को, तो क्या पुलिस के पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई स्पेशल तरीका है? तो दादू मैं आपको कि ना पुलिस जो होती है वो IMEI नंबर के थ्रू ही लोकेशन फाइंड आउट कर लेती है, और वो खुद भी फाइंड आउट नहीं कर सकती है, उसके लिए उसको करने के लिए वो भी क्या करती है कि ना उसको डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, एक है ना पुलिस में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं उसके पास लोकेशन निकालना, वो भी SP जो होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है सिटी का, उसके थ्रू ही उनके साइन के बिना अगर कोई लेटर भेज रहे हैं तो नहीं अलाउड होता, या फिर पर्टिकुलर आप साइबर सेल के अंदर हो तो वो आप ड्रिल कर सकते हैं। और उसके लिए भी बहुत सारे साइबर सेल्स के अंदर APIs लिंक होती है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट करते हैं और उनको डिटेल मिल जाती है, ठीक है ना। या फिर अगर मान लो उनको भेजना होता है तो वो डायरेक्टली ISP को वो IMEI नंबर भेजते हैं, वो जाता है कि इस IMEI नंबर पे कौन सा नंबर चल रहा है, नंबर के ऊपर उसकी लास्ट लोकेशन अभी क्या दिखा रहा है, वो उसका डीप पॉइंट जो होता है ना वो ISP से लेता है, और ISP टू ISP वेरी करता है ये। अगर एयरटेल का तो रिलायंस के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो रिलायंस से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेंगे, तो ये लास्ट तरीका होता है लोकेशन ट्रैक करने का। इसके अलावा इंटरनेट पे कोई भी तरीका नहीं है अवेलेबल लोकेशन ट्रैक करने का, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है ना, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। कि इसके अलावा जो मैंने ऑप्शन दिखाए हैं आपको, कुछ जो प्रैक्टिकल्स मैंने रिपीट भी करे हैं, उसका रीजन ये है, ठीक है ना, CDR इसी के थ्रू निकलती है बेटा, ठीक है ना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होती है वो, ठीक है ना, CDR तो ना फाइल होती है जिसमें अपन निकलता है कि भाई कौन कौन सा उसका लास्ट आवर लोकेशन क्या क्या है, ठीक है ना। CDR एनालिसिस नहीं लेकर अगर आप आओ, क्योंकि एक्चुअल उसके लिए पेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो लोग होते हैं, मैं फॉरेंसिक में लेकर आऊंगा क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के पास है CDR एनालिसिस सॉफ्टवेयर, तो उससे मैं लेकर जरूर करा दूंगा आपको, ठीक है ना। इज इट पॉसिबल टू हैक ISP डेटाबेस? नो इट्स नॉट पॉसिबल, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि चलो प्राइवेट नेटवर्क है उनका, पब्लिक नेटवर्क नहीं है कि कोई कहीं से भी एक्सेस कर ले उसको, ठीक है ना। अगर फीचर फोन को यूज करो तो लोकेशन ट्रैक होगा, फीचर फोन मतलब कौन सा फोन है भाई, समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है समझ में आ गया। तो भाई इसके अलावा कोई और तरीके नहीं है, अगर कोई बोलता है आपको कि इसके अलावा मेरे पास चार तरीके और हैं, तो भाई कमेंट में डाल देना कौन से तरीके हैं, वो मिलेंगे नहीं आपको, फाइनल तरीका ही है, ठीक है ना। और गाइस तो मैं आपको कि आने वाले शनिवार को जिस दिन हम लोग 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे, आई होप सो, मुझे कंफर्म नहीं है अभी कि होगा नहीं होगा, बट हाँ इस हफ्ते के एंड में आपका भाई लेकर आ रहा है मिस्टर रोबोट के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो। मिस्टर रोबोट पे एक वायरलेस हैकिंग के ऊपर मैं एक ना वर्कशॉप थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इट 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 इज गोइंग टू बी अ 3 आवर्स वर्कशॉप, 3 घंटे की वर्कशॉप होने वाली है मिस्टर रोबोट के हैकिंग स्किल्स के ऊपर, हैकिंग टेक्निक्स के ऊपर, और उनको मैं लाइव से दिखाऊंगा वायरलेस के ऊपर। वायरलेस कैन बी योर वाईफाई एंड इट कैन बी योर ब्लूटूथ, दोनों के ऊपर मैं हैकिंग दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वेट करें शनिवार के सेशन का, शनिवार को रात में मैं आऊंगा 9 से 12 बजे के बीच में सेशन लेने के लिए, और 9 से 12 में आपको कराएंगे बिल्कुल वाईफाई वायरलेस के ऊपर कंप्लीट वीडियो, ठीक है ना। 10K करने की फुल कोशिश करेंगे बिल्कुल गाइस, और वो हमारा जो सेशन रहेगा वो तब आएगा जब आप हमारे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10K सब्सक्राइबर के ऊपर वायरलेस हैकिंग के ऊपर आपका भाई लेकर आने वाला है वर्कशॉप, और ये बहुत एडवांस लेवल पर होने वाली वर्कशॉप, और मैं खुद मिस्टर रोबोट की सीरीज देख रहा हूँ मैं इसके लिए, ठीक है ना, सारे टेक्निक्स जो यूज करे गए हैं, और उसमें काफी कुछ रियल हैकिंग यूज करा गया है, तो उस सारे टेक्निक्स मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखो एक तो मूवी में करना और एक यहाँ करके दिखाना, दोनों में रात दिन का अंतर होता है, ठीक है। तो मैं आपको रियल टाइम दिखाऊंगा भाई क्या क्या पॉसिबल है मेरे पास, यहाँ पे अभी है ना ब्लूटूथ के नाम पे मेरे पास एलेक्सा है, अरे भाई ठीक है ना, एलेक्सा है मेरे पास, इसको अपन हैक करके देखेंगे, एलेक्सा हैक करके देखेंगे इसको, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पास जो और वायरलेस डिवाइसेज है, मेरे पास सर योर थंब ब्लू, अच्छा थंब ब्लू क्यों है मेरा, अच्छा थंब ब्लू, तो भाई थंब ब्लू एक है ना रीजन की वजह से है, एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आप सब लोगों के लिए आने वाली है, ठीक है ना, बहुत जल्दी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, क्योंकि यूट्यूब पे एक अलग फैमिली बन चुकी है, तो आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करने वाले, आज कुछ अपना कुछ बड़ा कर आए हैं हम लोग, इसलिए थंब ब्लू है हमारा, ठीक है ना। तो मैं अपने नेटवर्क पे बनाने वाला हूँ, मैं डालूंगा वहां पे मेरा नेटवर्क जो बनेगा ना वायरलेस के लिए, मैं रेडी कर रहा हूँ उसके लिए, और 10K सब्सक्राइबर के ऊपर मैं उसको लॉन्च करूंगा उस वीडियो को, उसमें एलेक्सा रहेगा मेरे नेटवर्क के अंदर, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला ये रहेगा क्या नाम है अपना बल्ब रहेगा, साथ में रेसबरी पाई की डिवाइस रहेगी, ब्लूटूथ स्पीकर रहेंगे, ये सब ब्लूटूथ पर रहेगा, और उन सबको हैक करा जाएगा आप लोगों के सामने इस वर्कशॉप में 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे, ठीक है। तो गाइस एक्साइटेड होंगे मेरे हिसाब से, वाईफाई वगैरह सब चीजें आएंगी उसके अंदर, मतलब
वायरलेस के ऊपर आ लगा देंगे अपन सेशन के अंदर, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों का काम है कि सब्सक्राइबर्स जो है, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, प्लीज शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल को, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोगों तक ये फ्री कंटेंट पहुंचेगा। और बता दूं मैं आपको, जिनको नहीं पता कि ना, तो अपन सर एक राइड करने वाले रिद्धि मैम के साथ में, और वो राइड होने वाली है विनिंग राइड हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। और कम्युनिटी में ऑलरेडी ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, ये होने वाला है विनिंग राइड ऑन 10K सब्सक्राइबर्स। 10K सब्सक्राइबर्स के ऊपर हम लोग करने वाले एक विनिंग राइड, ताकि हम एथिकल हैकिंग को और फेमस कर सके, काफी लोगों तक पहुंचा सके। अजमेर के अंदर ये राइड होने वाली है। और आर यू रेडी टू मीट अनोनमस, तो इस मार्च के साथ में बाइक की होगी राइड अजमेर तक, कूड़ा से अजमेर तक। तो अगर आप अजमेर के आसपास जयपुर के अंदर, तो प्लीज आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। मैं लोकेशन वगैरह शेयर करता चलूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करने के लिए आप फॉलो करें hacker_blog को। सबके लिए कुछ पेड भी लगेगा या फ्री टूल? भाई फ्री, सब फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है ना, सब कोई पैसा नहीं। आप अपने क्वेश्चन जो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और फिर सेशन को एंड करा जाएगा, क्योंकि मेरा खाना वेट कर रहा है और काफी ठंडा हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि माइक्रोवेव ओवन की जरूरत है, वरना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अमृतसर कब आ रहे हैं हैकर रोजी? बिल्कुल बहुत जल्दी आएंगे। और ना, जब भी मैं आऊंगा पंजाब साइड में, जैसे प्लान चल रहा है मेरा, यू नेवर नो कि मेरा कब प्लान बन जाए और मैं कब यहाँ से निकल जाऊँ अमृतसर के लिए या फिर पंजाब के अंदर, ठीक है ना। तो मेरा प्लान चल रहा है, तो नेवर नो कि कब हो जाएगा, पर जब आऊंगा तो पहला जो विजिट होगा वो अमृतसर डोरोमन के साथ में होगा। और आप ब्लॉग में पहले आप देखेंगे अमृतसर डोरोमन, क्योंकि भाई ने बहुत सपोर्ट करा है, काफी सारे लोगों के सब्सक्राइब करवाया है, काफी लोगों तक पहुंचाया हमारी इस चीज को। तो थैंक यू सो मच अमृतसर डोरोमन, हमेशा याद रखूंगा। और जब भी आऊंगा पंजाब, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा और आपके साथ वीडियो बनेगा। सर ब्लूटूथ होम थिएटर हैक हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गाइस, वो सब हैक होगा, वो सब हैक होगा सेशन के अंदर, जो जो पॉसिबल होगा सब हैक हो सकता है। थैंक यू सो मच ब्रदर। इस पीपीटी मिलेगा? बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल देंगे हम लोग, देंगे। सर किसी की आईपी एड्रेस से क्या निकाल सकते हैं? भाई बता दूं मैं, किसी की आईपी एड्रेस आप कुछ निकाल नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं आईपी एड्रेस के थ्रू हैक करना, तो नहीं कर सकते, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आईपी एड्रेस से आप स्पूफिंग मार सकते हैं, उसके आईपी एड्रेस का मिसयूज कर सकते हैं, बाकी कोई और तरीका नहीं, कुछ और तरीका नहीं है। अगर उस आईपी एड्रेस से कोई पोर्ट या सर्वर वगैरह ऑन है, तो आप डिटेल में जा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। गोवा भूल रहे हो सर आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गोवा याद है भाई, बिल्कुल गोवा के लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। भाई लेट हो गया? हाँ भाई काफी लेट हो गया यार आज तो। आप एंडी ब्रो, आज तो काफी लेट हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो गाइस जल्दी पहले गाड़ी राइड कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद डेफिनेटली हम लोग गोवा भी आएंगे। गोवा प्रणव भाई है हमारा, ठीक है ना, हमारा बहुत बढ़िया स्टूडेंट प्रणव गोवा के अंदर है। सो डेफिनेटली जाऊंगा प्रणव से मिलने के लिए। प्रणव चाह रहा हूँ इस बार जब आऊंगा तो रिद्धि मैम और कुछ बनकर आए यूट्यूबर अच्छे लेवल के, तब आएंगे आपके पास मिलने के लिए, ठीक है ना। मैक ट्रेस किया ये हो क्या? मैक ट्रेस होता नहीं है ब्रो, आप ट्रेस नहीं करते मैक एड्रेस को। वाईफाई कनेक्टेड डिवाइस हैक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो सब आएगा वायरलेस की वर्कशॉप में गाइस, वायरलेस की वर्कशॉप में आएगा। तो प्लीज आप वेट करिए वायरलेस की वर्कशॉप, और सिर्फ सपोर्ट करिए तपन भाई को, और सपोर्ट करिए पूरे हैकर ब्लॉक चैनल को, और 10 सब्सक्राइबर्स करने के लिए प्रेयर प्रेयर करिए। और आप लोग प्रे करेंगे तो डेफिनेटली 10 सब्सक्राइबर जल्दी हमारे कंप्लीट होंगे। भी ज्यादा लंबी नहीं करता इस वीडियो के लिए, इतना ही। तपन सर मैं नरमन बोल रहा हूँ, आप कुछ बताने वाले थे? नरमन वापिस बताना। अच्छा, नरो डालना चैट बॉक्स के अंदर भाई एक बार, क्या बताने वाला था मैं, वापस चैट बॉक्स में डाल देना प्लीज। ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके रहेंगे हम लोग। पीपीटी कहाँ पर है भाई? मुझे हैकिंग कोर्स करना है, तो मनीष भाई अगर हैकिंग कोर्स करना है, चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके भर दो फटाफट उसको। चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके फटाफट भर दो अगर हैकिंग का कोर्स करना है तो। सर एमा का टूल बता दो भाई, जिसको भी टूल रिलेटेड मुझे डालना है तो प्लीज अभी यहाँ मत डालो, क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर सीधे थर्ड दर्द निकलती है, हवा में जाती है चैट्स। तो अगर आपको कोई भी टूल के बारे में डालना है, तो प्लीज आप जाओ इंस्टाग्राम पे। अच्छा इंस्टाग्राम हैक, वेयर टू रिपोर्ट? अच्छा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। सर जो आप लेना कर रहे हैं, आपसे लर्न कर रहे हैं, उसके लिए
रहे, इसके लिए उसको लिए लोग हजारों रुपए लेते हैं। थैंक्स सर, थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच ब्रदर, ये बहुत यूजफुल कमेंट है मेरे लिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ये ना मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग है ना अपने दिल से प्रॉपर दिल से सपोर्ट करें, ये ना सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, और यहाँ पे आकर रिपोर्ट कर देना भाई, ये फॉर्म दे रहा हूँ मैं आपको, ये रहा। अच्छा लगता है मतलब जब आप बोलते हैं कि यार हमारे ये नॉलेज यूजफुल है और हमारे लिए ये कहाँ हमारी ये इन्फॉर्मेशन काम आई, ये आया वो आया, मजा आता है भाई। और प्लीज अमृतसरी डोरोमोन ने मुझे बोला भाई आपके 4 दिन में करा दूंगा मैं 10K सब्सक्राइबर जी, थैंक यू सो मच अमृतसरी डोरोमोन, और मैं चाहूंगा कि ऐसा ही मोटिवेशन सारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो लेकर आए ताकि अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे लोगों तक काफी लोगों तक पहुंच सके अपन, और 10K सब्सक्राइबर जो है हमारा इस वीक का टारगेट है हमारा 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो वो हम लोग कंप्लीट कर सके। सर मैं बोल रहा था कि ना इस लाइव सेशन के अंदर नया हूँ और मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो बहुत प्रेस किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है सेशन एंड होने से पहले। हाँ मैं भाई मैंने डाल दिया, आप चैट बॉक्स में जाओ ठीक है ना, मैंने फॉर्म डाल दिया है, यहाँ पे जाने के बाद ये पूछेगा समवन क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डालना सेकंड वाला ऑप्शन लेना, और ये पूछेगा कि इज दिस अकाउंट इम्पोसिनेटिंग यू, तो यस कर देना और फिर फॉर्म पूरा भर देना, ठीक है ना, समझ में आ गया, इससे हमें काम चल जाएगा। व्हाट्सएप का लाइव लोकेशन चेंज कर सकते हैं, फ्लाई एनीवेयर यूके यूएस गो एनीवेयर चेंज योर लोकेशन करंट लोकेशन, भाई बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया एंडी भाई बहुत अच्छा। सर फोटो के पीछे डेटा जो छुपा रहता है तो कैसे निकालते हैं भाई, उसके लिए मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, मेटा डेटा निकालना पड़ता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा मैं, ठीक है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ना मतलब ये सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद फिर मुझे एक ना बघंटिंग सीरीज निकालनी है, और उसके बाद फिर मैं मतलब खाली हो जाएगा अपना बघंटिंग हो जाएगा, देन बघंटिंग के साथ में सीटीएफ भी चलाने वाला हूँ, कैप्चर द फ्लैग चलाऊंगा मैं ठीक है ना, हैक द बॉक्स या फिर ना कुछ वल्नरेबल मशीन के ऊपर वो कराऊंगा, और साथ में फिर उसके बाद मैं लेकर आऊंगा फॉरेंसिक का, क्योंकि ये वेब और नेटवर्क और सर्वर हैकिंग जो है ना ये मैं पहले कराना चाह रहा हूँ सारे सब्सक्राइबर्स को, ये करने के बाद फिर अपन भागेंगे कहाँ की तरफ, फिर जाएंगे अपन कहाँ पे ये इस वाले पे जो तुमने बताया फॉरेंसिक पे जाएंगे अपन। सर आईवे नंबर से लोकेशन कैसे ट्रैक करते हैं, टेक्निकल आ रहे हैं भाई इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो समझ में आ जाएगा कैसे ट्रैक करते हैं, स्टार्टिंग दिखा दिया मैंने कैसे ट्रैक होता है आपका, ठीक है ना, चलिए वीडियो को यहीं पे यस प्लीज जरूर बताइए, ठीक है ना, चलिए भाई नेशनल गेटवे पर मैक ट्रेस होता है, सर सेंट्रल एजेंसी नेशनल गेटवे पर मैक ट्रेस करती है, बिल्कुल करते हैं, अगर मान लो आपने अपने फोन से नेट चला रखा है ना तो फिर मैक एड्रेस भी जाएगा आपका, ठीक है चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सर जो बोल रहे हैं इंस्टाग्राम फॉलोवर ज़्यादा कर देंगे हैक करके, ऐसा हो सकता है क्या भाई, हाँ हो जाएगा हैक, प्लीज आप मत जाना किसी को, कोई भी जो ऐसा बोल रहा है ना बढ़ा देगा आपका इंस्टाग्राम, मत देना अपना सब हैक कर देगा आपका, सर नेटवर्क वेब एंड्रॉयड एपीआई बिल्कुल प्रणव, सब सिखाऊंगा इधर ही सिखा दूंगा ना, यहीं सब सिखा दूंगा, टेंशन मत ले ना आज सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया, प्रॉब्लम हो गई था मैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं मालिक मालिक भाई, अब देख लेना इसको ठीक है ना ब्रो, आपका प्रोडक्ट भी बहुत डिमांड में है और आप वही प्रोडक्ट का डिमांड प्रोडक्ट बनाते हैं जो है, हो हैकर ब्रो ऐसे ही लगे रहो और हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा, थैंक यू सो मच ब्रदर, सर कितना तगड़ा हो गया, बिल्कुल तगड़ा बिल्कुल एक नंबर, एक ऑफिस बिल्ड करेंगे बिग वाला, आई एम अ स्मॉल बिल्डर इन नासिक महाराष्ट्र, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ तो आई गिव माई स्पेस फॉर यू टू यू टू वर्क, आई रियली लाइक योर वर्क बिल्डिंग का नाप ऋषि होगा, क्या बात है भाई क्या बात है, मतलब एंडी भाई ने खतरनाक कमेंट मार दिया भाई, देखो भाई दोनों दो वो बात अलग है पर आपने सोच लिया ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट भाई, ये सोच जो है ना ये लानी होती है लोगों के अंदर, अगर आपको लगता है एक्चुअल में कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच भाई, सल्यूट करता हूँ मैं आपको कि आपने इतना अच्छा कमेंट करा, और है ना मतलब मॉरल बूस्ट हो जाता है भाई, मतलब आपके कमेंट है ना मैं आप मानोगे जितने भी कमेंट आप करते हैं ना सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास रखे रहते हैं, उन सारे कमेंट को मैं पढ़ता, जब मैं अपने आप को डाउन फील करता हूँ, अगर मैं तो यार कुछ नहीं हो पा रहा यार, जैसे मान लो 10K सब्सक्राइबर नहीं हो पाया इस वीकेंड में, तो मैं यही देखता हूँ कि भाई नहीं अपने को बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं, होएगा आपको आउटपुट मिलेगा, तो थैंक यू सो मच गाइस कि ना आपने मतलब भाई आपने इतना सोचना कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर अपन गिव अवे करेंगे, आपका ऑफिस के अंदर अपना अपना स्पेस होगा डेफिनेटली होगा, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम लोग जल्दी करेंगे, ठीक है ना सर, मोबाइल पे फॉर्मुलेट को हो जाने फॉर्मेट होने होने के बाद कैसे रिकवर करें, भाई नहीं पॉसिबल नहीं है फॉर्मेट होने के बाद, अगर अगर मोबाइल फॉर्मेट हो गया तो आप उसमें डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते,
मतलब छोटा मोटा डेटा मिल जाएगा, पर ना आप उसे सोचो कि रिकवरी करना तो पॉसिबल नहीं है। मेमोरी कार्ड का रिकवरी कर सकते हैं पर मोबाइल का रिकवरी नहीं होता। एंड सर एंड कर दो सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल हो गया। अनरीडेबल फॉर्म जो वर्ड रहता है उसको रीडेबल, भाई अभी क्वेश्चन आना शुरू हो गए भाई। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। चलो गाइस मैं आगे सेशन को एंड करता हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आज क्वेश्चंस को आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। सर वाईफाई स्टिक का रेफरेंस प्लीज। तो भाई नो नथिंग नो थिंग भाई, आप ना चैट बॉक्स जो भी अगर क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो एंड होने के बाद सबके आंसर मिल जाएंगे 1-to-1, और नेक्स्ट सेशन के अंदर भी स्टार्टिंग से ले लूंगा मैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत भयंकर, ठीक है ना। खाने का वक्त हो गया है, ठीक है ना। खाना खाता हूँ यार, लेट हो गया था मैं इसलिए खाना नहीं खा पाया, इसलिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, लाइव जुड़े रहने के लिए। सबसे थैंक यू सो मच आपका कि लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ में, और सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइबर अपन को कंप्लीट करने, 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हमें इस वीक के एंड तक, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। शब्बा केयर, जाओ सो जाओ बढ़िया।